actually in the in the process graph the main thing that you know, have to know really well is the passive voice okay so here i'm going to take this class on the passive voice and its importance for the IELTS. not only in the graph the passive voice will also help you in the essays also okay you have to show a range of grammar in your writing when you show a range of grammar then only you get good bands and one or two sentences in the passive essay, start it is believed by some that is the passive

इंग्लिश का जो सेंटेंस इंटेक्स है कुछ कुछ कर कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स टीच किए जा रहे हैं जिस पे कुछ हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है टीचर्स टीच teach क्या है, verb. And students क्या है? object okay so teachers are doing something teaching teachers are the subject teach is a verb a doing word verb kya hota hai, doing word Inko doing words get and students morning, are the name. object good morning good morning we've just started okay uh, you haven't missed anything uh, okay. okay yeah. So uh, this, is, uh, this is the grammar which is related to today's uh, process graph. So I'm touching the grammar first. Then I'll be teaching you the process in detail, right? And okay, okay. process is one type of a graph which comes in the aisles. And if you write it correctly, believe me, nine out of nine band is achievable in a process. Very easy. Consider yourself lucky if you get a process. Really, really easy to attempt. But you have to learn. पैसिव वॉयस विच इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल ओके तो ये हो गया पैसिवॉयसिंग हमने कर टीचर्स टीच स्टूडेंट दिस इज दिन कुछ कर रहे हैं टीच कर रहे हैं किसको स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है टीचर्स सब्जेक्ट है टीच वर्व है ये इतना समझ आ गया सबको यस मैम ओके ओके अगर हमने इसको पैसिव बनाना है पैसिव के लिए हमें ऑब्जेक्ट उठा के आगे ले आना है ओके okay? ये मोटी गई है मेरी में इसको क्या करूं इधर आ चल इतरा चल ठीक है तो अगर हम स्टूडेंट्स को आगे ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस पैसिव हो जाएगा तो हमें ना स्टूडेंट्स को आगे ले आना है और हमें लिखना है स्टूडेंट्स अब हमने टीच teach, टीचर्स नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स टीच नहीं कर रहे स्टूडेंट्स टीच हो रहे हैं ठीक है तो हमें उसमें क्या करना है बी की फॉर्म लगानी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ठीक है सो so स्टूडेंट्स बी की फॉर्म अब जो बी की फॉर्म है एक मिनट में सबको म्यूट कर लो जो बी की फॉर्म है वो थैंकफुली बी एक इकलौता वर्ब है एलट्स में थैंकफुली जिसकी ना प्रेजेंट और है पास्ट और है और फ्यूचर और है ठीक है तो जस्ट वन नोरा पीछे ठीक है बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर ठीक है अब बी का मतलब पता है क्या बी है? का मतलब है होना होना कुछ भी होना मतलब हिंदी या पंजाबी में पंजाबी हम B की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर जैसे हम बोलते हैं ही इज तो हिंदी में क्या होगा वो है आई एम मैं हूं वी आर हम हैं तो ये सारा होना है बी की फॉर्म्स है ठीक है और पास्ट टेंस में वो था ही वॉज वो थे दे वर ये पास्ट टेंस की फॉर्म्स है ठीक है बी की और फ्यूचर क्या होगा विल बी ठीक है अब यहां पे टीचर्स टीच स्टूडेंट जो है उसमें वो कौन से टेंस का है सेंटेंस uh, प्रेजेंट का प्रेजेंट का ठीक है तो प्रेजेंट की बी की फॉर्म क्या है इज एम या आर अब टीचर्स जो है स्टूडेंट्स जो टीचर्स है ये स्टूडेंट्स जो है ये प्लूरल है ना तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स अगर आगे आगे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो बी की इसमें से इज एम आर में से कौन सी फॉर्म आएगी आर आर, आर आर तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स आर और टीच की थर्ड फॉर्म क्या है टीच डॉट 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 थर्ड फॉर्म है टॉट तो स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स राइट टीचर्स तो taught taught अब यहाँ पे ना टॉट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है की यहाँ पे वर्ड भी आ गया और टॉट भी आ गया मैडम तो कहते हैं दो पास वर्ब्स आते नहीं तो आए हुए हैं दो पास वर्ब्स फिर

डॉलर हंड्रेड ऑन बुक्स ये बच्चे लिख देते हैं अब ने खर्चा है तो स्टूडेंट्स क्या या ऑब्जेक्ट यहाँ पे के बाद वर्स पेंट का मतलब है कि ये दो पास्ट टेंस के वर्ब्स हो गए तो ये गलत हो गया सेंटेंस ये बात अगर आपको समझ आ गई ना आपकी ये गलती होनी हट जाएगी ये समझ आ गया कि स्टूडेंट्स वर्स पेंट डॉलर हंड्रेड ऑन बुक्स गलत हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ कर रहे हैं और स्टूडेंट सब्जेक्ट है अगर सब्जेक्ट के बाद ये वाला स्पेंट है तो ये पास वाला स्पेंट है तो यहाँ पे दो पास के वर्ब्स लगाए हुए हैं बच्चों ने और ये गलत है यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स स्पेंट हंड्रेड डॉलर ठीक है अगर हम इस चीज को आगे लिखें हंड्रेड डॉलर ऑन बुक्स यहाँ पे पहले वो कर दे फिर हम लिखेंगे वर्ड स्पेंट बाय स्टूडेंट्स फिर वर्ड स्पेंट आएगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है हमने इसको ऑब्जेक्ट को आगे रखा है या देखो हंड्रेड डॉलर वर्स पेंट बाई स्टूडेंट्स ऑन बुक्स ये समझ आ गया आपको यहाँ पे वर्स स्पेंट है तो ये स्पेंट कौन सा है दिस पेंट इज थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म अब देखो इसमें मैंने कलर करा है स्पेंट प्रेजेंटेंस है और इसकी पास है ये ग्रीन वाला स्पेंट और थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है रेड वाला स्पेंट तो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स स्पेंट हंड्रेड डॉलर ऑन बुक्स तो यहाँ पे स्पेंट ये वाला है स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स ने स्पेंड करे स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो ये पास्ट टेंस वाला स्पेंट है और अगर हम इसका पैसिव करेंगे तो हम लिखेंगे हंड्रेड डॉलर स्पेंट ऑन बुक्स और ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ड स्पेंट ये रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद ये पास्ट टेंस वाला स्पेंट है और ये पास्ट टेंस का वर्ब है तो ये दो पास्ट टेंस वर्ब्स कभी इंग्लिश के सेंटेंस में इकट्ठे नहीं आते हैं यहाँ पे लग रहा है कि वर्ड पेंट आया हुआ है इकट्ठा पर ये स्पेंट पास्ट टेंस का नहीं है ये बात आपको रिकोगनाइज करनी है इज दैट क्लियर टू एवरीवन अगर किसी को अभी दोबारा इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं और दोबारा समझा सकती हूँ अभी लव प्रीत ओके okay. uh, देखो बेटे ये यस yes, लव प्रीत यही समझना है ना दोबारा आपने पास्ट पैसे वॉइस ये देखो स्टूडेंट्स स्पेंट हंड्रेड डॉलर स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स ने स्पेंड करे थे पास टेंस का स्पेंट आया है ये ग्रीन वाला पास टेंस का स्पेंट है क्योंकि स्टूडेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट स्पेंट हंड्रेड डॉलर ऑन बुक्स करेक्ट है स्टूडेंट्स वर्ड स्पेंट हंड्रेड डॉलर ऑन बुक्स रॉन्ग है क्योंकि स्टूडेंट्स खर्चे नहीं गए स्टूडेंट्स ने खर्चा स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट ठीक है एंड डॉलर हंड्रेड वर्ड स्पेंट बाई स्टूडेंट्स ऑन बुक्स डॉलर हंड्रेड क्योंकि ऑब्जेक्ट है ठीक है वर्ड स्पेंट खर्चे गए थे ठीक है बाय स्टूडेंट्स ये समझ आ गया आपको अब समझ आ गया रफरी कोई क्लैर और चाहिए कोई क्लैरिफिकेशन ऑन बुक्स लास्ट लिखता देंगे मैं हाँ हाँ ऑन बुक्स लिख सकते हो हाँ यहाँ पे लिख सकते हो पर आपको ये पता चल गया ना कि स्टूडेंट सब्जेक्ट है और हंड्रेड डॉलर ऑन बुक्स यहाँ पे भी ऑन बुक्स लिख सकते हो यहाँ पे भी लिख सकते हो ऑन बुक्स पर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए ना फिर आपका पैसेव कभी गलत नहीं होगा आपको हिंदी करके देखनी है पंजाबी करके देखनी है सेंटेंस में कि किसी ने कुछ किया है वो सब्जेक्ट है किसे ते कुछ होया है वो ऑब्जेक्ट है समझ गए किसी ने कुछ किया है वो सब्जेक्ट है किसी पे कुछ हुआ है खर्चे हैं किस खर्चे है, किस पे खर्चे है? किताबों पे खर्चे है $100, तो स्टूडेंट वर्ड स्पेंड गलत हो जाएगा ठीक है और कई बच्चे वर्ड स्पेंड लिख देते हैं स्पेंड हो गया तो वर्ड स्पेंड हो गया तो ये मैं ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपने कल कल आप कहीं गए थे तो आप ये थोड़ी बोलोगे आई वॉज गो टू चंडीगढ़ ये

ओके okay. तो ये है अब इसमें आपने ना सब्जेक्ट और ये इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो पहचानना है ठीक है ये डॉक्टर झिक्का इंट्रोड्यूस्ड द वाइस चांसलर इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है एक एक दो चीजें एक डॉक्टर झिक्का एक वाइस चांसलर है ठीक है डॉक्टर झिक्का इंट्रोड्यूस द वाइस चांसलर विच इज द सब्जेक्ट किसने कुछ किया है और किस पे कुछ हुआ है चलो अ अमित डॉक्टर जी सब्जेक्ट सब्जेक्ट और वाइस का ऑब्जेक्ट हां ऑब्जेक्ट है अगर आप ऐसे लिखते हो डॉक्टर जी का वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वाइस चांसलर तो ये ये इसका मतलब क्या निकलेगा कई बच्चे ऐसे लिख देंगे डॉक्टर जी का अब ये सेंटेंस करेक्ट है कि डॉक्टर जी का ने वाइस चांसलर को इंट्रोड्यूस किया ही इंट्रोड्यूस द वाइस चांसलर समझ आ गई हिंदी इसकी डॉक्टर जिक्का ने वाइस चांसलर को इंट्रोड्यूस किया ठीक है अब डॉक्टर जिक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वाइस चांसलर इसका क्या मतलब होगा इंट्रोड्यूस हुए हाँ इसमें वाइस चांसलर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अगर अगर ऐसे लिख देंगे और एक्चुअल में ये हुआ है तो ये गलत हो जाएगा ना ये समझ आ गया आपको पर इस ये सेंटेंस वैसे तो वैसे तो अपनी जगह अगर आपको ये अगर वाइस चांसलर ने डॉक्टर चिक्का को इंट्रोड्यूस करा है तो ये सेंटेंस करेक्ट है पर इसका yes, हाँ पर इसका पैसिव क्या होगा इसका पैसिव क्या होगा वाइस चांसलर वाज़ इंट्रोड्यूस्ड वेरी गुड वेरी गुड हर हर नेबर वाज़ हेल्पड बाय द पुलिस ये पैसिव है ठीक है हर नेबर वॉज हेल्प बाय द पुलिस इसका एक्टिव बनाओ अमित मेक द एक्टिव अरनीत मैम पुलिस हेल्प हर नेबर हाँ पुलिस हेल्प हर नेबर क्यूँकी पुलिस अब ये जो है हाँ इसमें है की पुलिस को नेबर ने हेल्प करी ठीक है द पुलिस वॉज हेल्प बाय द नेबर ठीक है He gave her a present. अच्छा, इसका, okay. इसका पैसे बनाओ uh, सारे बच्चे बारी बारी से चांस लो ना ओके सो लेट्स हैव इट फ्रॉम रीना ही बाय हर गिवन प्रेजेंट इसका एक्टिव करो मनीषा uh, एक्टिव करो इसका ही वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय हर प्रेजेंट बान अ प्रेजेंट गएगा सॉरी मैम सेकेंड आएगा

वेरी गुड टू गुड सुप ओके अच्छा अब इसमें से ये वाला ये जो है इसमें से रॉन्ग चीज को आपने कट ऑफ करना है आईदर आइदर दे सेंट या दे वर सेंट मतलब कुछ आएगा ये सेंटेंस में आपने रोंग चीज को नहीं बोलना है सिर्फ सही को बोलना है फर्स्ट ये बलजीत यू विल डू वन फर्स्ट वाल चलो बलजीत इज नॉट हेयर आई अच्छा जिन बच्चों ने अपने फोन के साथ लॉग इन करा हैम नेम चेंज का ऑप्शन आता है वहां पे हार्दिक आप करोगे ये एक सेंटेंस बोलो और सही ऑप्शन के साथ बोलना देर इज वन ऑप्शन करेक्ट एंड वन रॉन्ग ओके

the victim was uh, the victim was given first aid on the spot very good uh, okay uh, gopi do the fourth one hello ma'am fourth wala karo uh, the cab arrived uh, 10 minutes late very good okay uh, jasbir fifth wala karo Ma'am, they were shifted him to the hospital immediately. Wrong. Uh, Kamal, try. Kunal. Yes, ma'am. Yeah, try this. She bought some books at the book fair. है. हाँ, गलत Because they were shifted, वो shift नहीं हुए, उन्होंने किसी किसी को shift करा. करा. होता कि उनको ने okay? फिर हिम okay. नहीं आ सकता ना यहाँ पे फिर फिर यहाँ पे हिम नहीं आएगा अगर हम वर शिफ्टेड टू हॉस्पिटल वो शिफ्ट किए गए ठीक है पे हिम, तो उन्होंने किसी को हिम को शिफ्ट ओके ओके सो मैं ना अब वापस जा रही हूँ उस पर जो पैसिव वॉइस की मेरी वो जो है क्लास सो आई विल बी गोइंग ओवर देयर एंड ओके ओके सो दिस इज द प्रोसेस ग्राफ यू नो पावर पॉइंट Uh, इसमें मैं आपको सारा प्रोसेस के बारे में आज समझाऊंगी वील गो स्लो बिकॉज एक तरह का ग्राफ आपका आज कवर होए और अच्छे से होए और अगर आपको एग्जाम में आए तो आठ ब्रांड का लिख के आओ राइट right? okay. yes, हाँ तो उससे कम का नहीं होना चाहिए अगर प्रोसेस आ गए ठीक है तो प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स टेकन टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड तो उसको प्रोसेस कहते हैं प्रोसेस ऑफ पेंसिल मेकिंग है प्रोसेस कुछ भी है सीरीज ऑफ ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक मैन मेड प्रोसेस होता है जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना वो जैसे वाटर साइकिल है पानी है समुद्रों से पानी इवेपोरेट होके ऊपर गया ऊपर जाके बादल बन गए फिर बादल बरसे पानी रेन हुई फिर वापस समुद्र में पानी आ गया तो ये वापस वहाँ का वहां आ गया तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल ठीक है ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल है कार्बन साइकिल है ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं नेचुरल प्रोसेस कभी कभी आता है कम आता है पर मोस्टली मैन मेड प्रोसेस आता है नेचुरल प्रोसेस में क्योंकि चीज अपने आप हो रही है इसमें पैसे वॉइस नहीं लगती है ठीक है गॉट इट इसमें जैसे जैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है समुद्रों से हम हम यही लिखेंगे ना वॉटर इवेपोरेट्स अपने आप इवेपोरेट हो रहा है ना इवेपोरेट हो रहा है

अब मैनमेड प्रोसेस में इसलिए लगती है कि अगर सपोजिंग पेंसिल बन रही है तो पेंसिल के लिए कौन पेड़ काट रहा है जाके इज दैट इम्पॉर्टेंट अगर चाय का प्रोसेस है तो कौन चाय की पत्तियां पिक कर रहा है ट्री से इज दैट इम्पोर्टेंट नहीं ना तो इसलिए वहां पे जो काम किया जा रहा है वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम उसमें पैसिव लगाएंगे ठीक है ओके okay. ये नेचुरल प्रोसेस है ये देखो सीड है सीड से यंग प्लांट बना मेच्योर प्लांट बना फ्लावर बना फिर फ्रूट आया फिर फ्रूट से सीड आया तो ये एक नेचुरल प्रोसेस की एग्जाम्पल है ठीक है ये मैनमेड प्रोसेस है ऑलिव ट्री है उससे पिक प्लक करे गए उनको मिल में भेजा गया फिर प्रेस करा गया फिर रिफाइनरी में भेजे गए फिर ये हमें ऑलिव ऑयल मिला इसको फिल्टर करा फिर एक्स्ट्रा वर्जन जो फिल्टर्ड ऑलिव ऑयल है बहुत क्लियर ये वाला मिला तो ये सारा एक मैनमेड प्रोसेस है ठीक है ओके okay. अब सबसे पहले दो वोकेबलरीज हैं जो आपको प्रोसेस में सीखनी है फर्स्ट वोकेबलरी इज द वोकेबलरी फॉर सीक्वेंसिंग जिस स्टेप में कोई चीज होती है जैसे हम लिखते हैं टू बिगिन विद इन द फर्स्ट और इन द इनिशियल स्टेप इन द इनिशियल स्टेज ये लिखते हैं देन लिख सकते हैं नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लिख सकते हैं आफ्टर दैट लिख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेज लिख सकते हैं इन द सब स्टेप इसके बाद वाला स्टेप Subsequently लिख सकते हैं आफ्टर दिस स्टेज लिख सकते हैं आफ्टर दिस स्टेज इज this आफ्टर दिस complete, complete, ऐसे करके लिख सकते हैं ये आपको सीखना इसलिए जरूरी है कई बार ना प्रोसेस में लेंथ बनानी बहुत मुश्किल होती है तो जिन्होंने प्रोसेस पहले लिखे हुए हैं उनको ये idea है कि लेंथ जो है ना डेढ़ सौ वर्ड पहुंचाने के लिए आपको ये सीखने पड़ेंगे चीजें फिर आप ऐसे लिख सकते हो दिस स्टेप दिस स्टेप इनवॉल्व कटिंग ऑफ वुड बिफोर दिस स्टेप दिस इज डन कुछ इस तरह का भी लिख सकते हो अगर कोई चीज साथ के साथ की जा रही है जैसे एक तरफ पेंसिल बनाने में एक तरफ लकड़ी को तैयार किया जा रहा है दूसरी तरफ लेड जो उसके अंदर डलता है उसको तैयार किया जा रहा है तो ऐसी या दो चीजें एक ही टाइम पे चल रही है उसके लिए आप लिख सकते हो एट द सेम टाइम या मीन ठीक है फाइनली अगर लास्ट स्टेप है इन द फाइनल स्टेप और फाइनल स्टेज इवेंचुअली द लास्ट स्टेप इनवॉल्व द लास्ट स्टेप इज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तो so ये जो प्रोसेस होते हैं ना ये होते हैं पैस, आ, जो आ, मतलब पैसिव वॉइस जा, जाती है जो है और ये फाइनली वाला ये वाला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो लास्ट स्टेप पे ठीक है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस मैम राइट हाँ बोलो मैम दिस बिफोर दिस स्टेप ये इसमें क्या आएगा जैसे दिस स्टेप इन कटिंग ऑफ द ट्रीज दिस स्टेप इन वॉशिंग ऑफ द पिकल This step involves, कुछ भी ऐसे ऐसे लिख लिख सकते हो ना नहीं तो तो सारा बच्चे ऐसे लिख देते हैं थोड़ा वेराइटी लाने के लिए ये वर्ड्स स्मोक स्मोकिंग करनी है फिश की स्मोक फिश है तो बिफोर बिफोर कलरिंग बिफोर एडिंग कलर सॉल्ट इज एडेड सो so बिफोर ऐसे कर सकते हो ना बिफोर एडिंग दिस दिस इज डन तो उससे एक दो वर्ड बढ़ जाते हैं आ, आज मुझे मैंने सुबह से एक ग्राफ चेक करने शुरू कर दिए बिकॉज मैंने होमवर्क डाल दिया था तो एक दो बच्चों ने लिखा है और बड़ा अच्छा लिखा है कोई भी गलती नहीं है बस वन फिफ्टी वर्ड्स नहीं हुए तो उसमें फिर ऐसी मैंने चीजें उनको सिखाई हैं कि आप ऐसे कर सकते हो वर्ड्स बढ़ाने के लिए आपको सबको आप आज का होमवर्क तो डल चुका है आप सबको आइडिया लग गया कि आप ऐसे वर्ड्स लिख के आपने 150 से कम नहीं लिखना है 152 हो जाए मतलब 150 क्रॉस कर जाओ ठीक है दैट इज इनफ ठीक है बच्चे आगे चले हम्म बोलो यस मैम हां बोलो मैं yes, हाँ, मैच पहला थर्ड स्टेप पहला लिखेंगे बाद में सेकंड लिखेंगे एक्स्ट्रा होता है जब कोई किसी चीज कोई दो चीजें हो रही हैं एक स्टेप पे फिर तुम बिफोर दिस इज डन दिस इज डन ऐसे कर सकते हो ना अगर आपको उसकी वोकैबुलरी आती है अगर जैसे अभी आज स्मोक्ड फिश वाला अभी आएगा फिर मैं उस टाइम बताऊंगी थर्ड पहले लिख के ये कर सकते हो दैट देन देन द द ऑलिव्स आर टेकन टू द फैक्ट्री फॉर 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 सॉर्टिंग आउट एंड बिफोर सॉर्टिंग इज डन दे आर वॉश्ड ऐसे लिख सकते हो ना आप तो पहले अगला स्टेप लिख के फिर पिछला लिख दिया तो आपके थोड़े वर्ड्स yes. बच जाएंगे ठीक है yes, आ, yes, तो ऐसे करके लिख सकते हो उससे एक दो वर्ड्स बढ़ाने के तरीके हैं बस ठीक है बट नॉर्मली आप सीधा सीधा लिखो अगर आपको वर्ड्स की प्रॉब्लम आ रही है वर्ड लेंथ की प्रॉब्लम आ रही है फिर आप इस तरह से भी कोई एक दो सेंटेंस बना सकते हो एक आध सेंटेंस ठीक है ओके okay. uh, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा मैम नेचुरल प्रोसेस का भी बताना है। मैं अगर तो उसमें हमें लिखना कैसे आई मे नो हरी टू फिनिश क्लास आई बी टीचिंग यू नाइसली सारा कुछ कराऊंगी आज प्रोसेस का मेरा मेरा एम है कि आज मैं प्रोसेस कंप्लीट कर दूं क्योंकि अगर एक दिन में ये हो जाता है ना तो फिर स्पीकिंग के लिए मुझे फिर टाइम मिल जाएगा कराने के लिए ठीक है तो, बाकी, yes, तो बाकी तो आपको बाकी तो आपको मेहनत करनी है पढ़ के ही करना है ना बेसिकली ठीक है अब ये पैसे है ये मैं आपको करा चुकी हूँ ये सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ फुटबॉल में क्या हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि ये तो अब आपको जल्दी समझ आ गया ना अभी करा के हटी ठीक yes, है ओके okay. सब्जेक्ट जो है ना वो अगर हमने रिपोर्ट लिखनी है प्रोसेस ग्राफ की उसके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसलिए हम पैसे यूज करते हैं ठीक है अब जो भी प्रोसेस का आपको मैं आएगा लिखना उसके तीन चीजें होंगी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ठीक है अब जो डिस्क्रिप्शन है प्रेफरेबली टू बॉडी पैराग्राफ्स में कर दो नहीं तो एक में भी कर दो चलेगा तो इंट्रोड्यूस में इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज द टास्क स्टेटमेंट ओवरव्यू में नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व लिख सकते हो और फिर फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप को के बारे में लिख सकते हो तो ये आपका ओवरव्यू कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा प्रोसेस का अगर आप एक तो नंबर ऑफ स्टेप्स लिख दो और उसके बाद लिख दो कि फर्स्ट स्टेप क्या और लास्ट स्टेप क्या है ठीक है ओके यस यस मैम अब जैसे ये वाला है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ये एग्जांपल है पियर्स का मल्टी स्टेज प्रोडक्शन ऑफ पियर्स एज फ्रूट राइट कैंड रिपोर्ट फॉर यूनिवर्सिटी लेक्चर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस बिलो तो ये है पियर्स का जो एक प्रोसेस आया हुआ है बुक में है ये पास्ट एग्जाम प्रोसेस है अगर आपको ये वाला प्रोसेस वहाँ एग्जाम में आएगा हो सकता है हैंड पिकिंग की जगह वहाँ पे पेड़ दिखाया हो और कोई पिक करते हुए बंदे दिखाए हों तो हो सकता है वहाँ डायग्रामेटिक हो और मेरे स्टूडेंट ने मेरे को डायग्राम्स नहीं बन सकते थे तो उन्होंने इस वे में लिखा तो मैंने इस वे में बना दिया आपके लिए तो ये काफी स्टेप्स हैं इसके ये समझ आ आगे इतना ठीक है ये पियर्स का एक्चुअल पास्ट पास्ट ग्राफ है एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ है ठीक है तो इसमें कैसे हाउ विल वी गो अबाउट राइटिंग दिस ग्राफ ओके सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी है इंट्रोडक्शन uh, है देर आर टू सेंटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड टू राइट द ओवरऑल द प्रोसेस इलस्ट्रेट्स ये इंट्रोडक्शन है द प्रोसेस इलस्ट्रेट्स हाउ कैंड पियर्स आर प्रोड्यूस्ड और हम ऐसे लिख सकते हैं द प्रोसेस इलेस्ट्रेट द स्टेज इज ऑफ कैंड पियर्स यू कैन पिक एनी वन बट द क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन क्या था दोबारा देखते हैं द डायग्राम बिलो शोज द मल्टी स्टेज प्रोडक्शन ऑफ पियर्स एज कैंड फ्रूट्स ठीक है ये डायग्राम ये ये क्वेश्चन का टॉपिक था और हमने इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करा है द प्रोसेस इलेस्ट्रेट हाउ कैंड पियर्स आर प्रोड्यूस्ड कैन पियर्स से मतलब क्या है मैम यहाँ पे कैन कैन के दी हुई पैसे वॉइस हो गया ना कैन पियर्स कैन कैन की गई कैन की गई पियर्स आप डायग्राम देखो वापस आ, ये एंड में क्या है कैनिंग है सीलिंग है कैन कैनिंग कैंस में डाल रहे ना पियर्स को जो कैंस मिलते हैं बाजार में डब्बे नहीं मिलते कंडे बॉक्स में ओके okay, मैम तो बॉक्स में जो फ्रूट है वो पूरा मतलब साबुत फ्रूट डाल रहे हैं ना ये वही बात है ये जूस की बात कर रहे हैं काट काट के डालते हैं ना कैंड फ्रूट मिल पीसेस में होते हैं पीसेस में है। पीसेस में हाँ okay, जैसे, no. जैसे आपने वो पाइन तो खरीदा होगा कभी पाइन एपल भी आता है कैंड कटा हुआ पाइन जैसे गुलाब जामुन मिलते हैं बॉक्स में ऐसे लगा ऐसे लगा हैं ओके ओके ठीक है तो कैंड फ्रूट मिलता है उससे तो उसमें क्या करो अगर आपका ये जो क्वेश्चन है ये पैसिव में है तो एक्टिव कर दो इंट्रोडक्शन अगर ये एक्टिव में है तो पैसिव कर दो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ठीक है तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो पर आप वो चीज मत लिखना जो क्वेश्चन में है नहीं तो ऐसे लगेगा आपने बिल्कुल कॉपी कर दिया तो चेंज करके लिख देना इंट्रोडक्शन अगर इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन है वो एक्टिव में है तो क्वेश्चन यहाँ पे पैसिव कर दो वहां पे पैसिव है तो यहाँ पे एक्टिव कर दो ठीक है एक्टिव पैसिव तो अब समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ yes, okay. 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 फिर ओवरव्यू में ना आप बिगिन करो विद राइटिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स एंड देन कंटिन्यू विद द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 14 मेन स्टेप्स ठीक है ये एक सेंटेंस हो गया और दूसरा है द प्रोसेस बिगेन्स विदेस्टिंग ऑफ द ट्रीज एंड एंडल कैंड ऑलिट्स ठीक है uh, म्यूट कर दू सबको दो दो सेंटेंसेस बन सकते हैं सब सब पहला सेंटेंस है ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन मेन स्टेप्स और दूसरा सेंटेंस है प्रोसेस द हार्वेस्टिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड एंडल कैंड दे देखो द प्रोसेस बिगेन्स विद हार्वेस्टिंग हैंड पिकिंग क्या है हार्वेस्टिंग पिक कर रहे हो ना फ्रॉम द ट्रीज

सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो उसके लिए आपको ये मतलब सही बनाना इसलिए सीख लो नहीं तो दो लिखाना ठीक है सिंगल कैसे बनेगा ऐसे बनेगा ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फोर्टीन मेन स्टेप्स देखो यही है ना पर हमने फुल स्टॉप नहीं डाला कॉमा डाल दिया फ्रॉम द इनिशियल हार्वेस्ट ऑफ द ऑलिव फ्रॉम द ट्रीज टू द इवेंचुअल डिस्पैच ऑफ द ऑलिव ऑयल कैंस द मार्केट प्लेस फॉर सेल ये थोड़ा सा टफ है बनाना अगर प्रैक्टिस कर लेना अगर ये नहीं बने तो ये वाला बिल्कुल सही है ठीक है सेवन सेवन प्लस के लिए ऊपर वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है आप बिल्कुल उसकी फिक्र मत करो पर सही लिखना कॉम्प्लेक्स के चक्कर में सेंटेंस गलत हो गया तो छ भी चले जाएंगे ये बात समझ आ रही है आपको टू सेंटेंसेस विल बी इजी इफ यू कैन प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स हेयर यू कैन प्रैक्टिस दैट यू कैन राइट दैट ठीक है so overall, the process consists of 14 main steps from the initial harvesting of the olives from the trees, harvesting, kar sakte ho, initial harvesting of the olives from the trees, to the eventual dispatch of the olive oil cans to the marketplace for sale. Hai? yes, ma'am. ये ये इसी स्टेप को छोटा करा है सैंपल आंसर द गिवन प्रोसेस इलस्ट्रेट्स द वेरियस स्टेप्स स्टेस इन द कैनिंग ऑफ फेयर ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द प्रोसेस ऑफ कैनिंग फीय इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग 14 स्टेप्स फ्रॉम द पिकिंग ऑफ फेयर्स टू डिस्पैचिंग द फाइनल कैन प्रोडक्ट ये और सिंपल छोटा करके लिख दिया वर्ड्स वर्ड्स जो आपको पहले कराया है उसमें वर्ड काउंट थोड़ा ज्यादा है सो दिस यू कैन राइट ओके ठीक है रमन थैंक यू तो एंट्री करा रही है ना सबकी हाँ जी मैम ओके सो नेक्स्ट ओवरव्यू हमारा हो गया ओवरव्यू का ये हो गया अब नेक्स्ट हम बॉडी लिखेंगे ओके okay? अब बॉडी में आप नोट करना दो चीजें नोट करनी है आपने जब हम लिख रहे हैं एक तो सीक्वेंसिंग की लैंग्वेज कहाँ आ रही है कैसे कैसे आ रही है और उसके बाद आपने पैसिव वॉइस नोट करनी है कहाँ कहाँ आ रही है कैसे कैसे आ रही है और ये दो चीजें अगर आपने ठीक से सीख ली आपका प्रोसेस हो गया आपको कोई भी प्रोसेस आए आप उसको सही लिखोगे ठीक है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ओके इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस कॉमा राइट पियर्स आर पिक्ड हैंड अब एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू अ फैक्ट्री वेयर द पियर्स आर वॉश्ड एंड देन चेक्ड फॉर क्वालिटी ये थोड़ा सुपर कॉम्प्लेक्स है पर पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है इसको आप दो में भी ब्रेक कर सकते हो अब आप देखो इसमें सीक्वेंसिंग की लैंग्वेज क्या है इन द फर्स्ट स्टेज ठीक है इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस राइप पियर्स आर पिक्ड पियर्स पिक किए जाते हैं बाय हैंड ठीक है आर पिक्ड ये बी की फॉर्म है और पिक्ड थर्ड फॉर्म है पिक की ठीक है ये समझ आ गया एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू अ फैक्ट्री यहाँ पे कर सकते हो फुल स्टॉप ठीक है फिर आप लिख सकते हो वेयर द पियर्स आर वॉश्ड है ना यहाँ लिख सकते हो इन द फैक्ट्री द पियर्स आर वॉश्ड एंड देन फॉर क्वालिटी इनको आप दो सेंटेंस बना सकते हो ये एक कम्पलेक्स बनाने का तरीका दिया है इन द फैक्ट्री कर सकते हो मैम ये जो ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री है और चेक्ड फॉर क्वालिटी ये एक्टिव वॉइस है नहीं, नहीं एक्टिव है क्योंकि देखो एंड देन आर एक बार आ गया ना ये आर इसके लिए भी स्टैंड हो रहा है okay, for, समझ दो दो बार आर लिखने की जरूरत नहीं अगर एक ही सेंटेंस में पैसे आ रहा है दो बार, okay, okay, समझ हाँ, एक बार आ गया वेरी गुड यू पिकअप नाइस पॉइंट्स बाकी बच्चों को भी हेल्प होती है इससे ठीक है तो एक बार आर आ गया ना हमारा पैसिव के लिए ट्रांसपोर्टेड दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है आर तो उसी के लिए आर कैरी हो रहा है पेयर्स आर वॉश्ड एंड फॉर क्वालिटी ठीक है नेक्स्ट आप नेक्स्ट लिखा है हमने आप इसको लंबा करने के लिए क्या लिख सकते हो इन द नेक्स्ट स्टेप तीन वर्ड्स और ऐड हो गए इन द नेक्स्ट स्टेप तीन हो गए ना ये अगर आपका डेढ़ो से कम बन रहा है ना तो इस तरह के टेक्निक्स आपको सीखने हैं ठीक है नेक्स्ट द डिफेक्टिव पियर आर टेकन अवे एंड द गुड आर कूल्ड इन स्टोरेज एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर अब दोबारा एक बार डायग्राम की तरफ जाते हैं

क्वालिटी चेकिंग के बाद थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से लिख दिया कि जो खराब वाले हैं उनको रिमूव कर दिया दे आर टेकन अवे एंड द गुड वंस आर स्टोर्ड समझ गए यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग की क्वालिटी चेक का क्या मतलब है खराब और सही चेक कर लिया क्वालिटी सही है कि नहीं जो खराब वाले हैं उनको रिमूव कर दिया ये अपनी तरफ से लिख दिया है नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ठीक है आफ्टर क्वालिटी चेकिंग दे आर सेंट टू द कोल्ड स्टोरेज क्वालिटी चेकिंग का यही मतलब है ठीक है Let's see. Defective peers are taken away and the good ones are cooled in a storage at a specific temperature. In the subsequent step, the peers are weighed and graded into different grades. In the subsequent step, weighing grading. Likha hai. In the subsequent step, the peers are weighing ka third form, weighed, and grading ka graded. Peers are weighed and graded.

एक पीलिंग के बाद वाला स्टेप बोलो पीलिंग के बाद वाला वेइंग और ग्रेडिंग वाला मैम वेइंग एंड ग्रेडिंग के बाद पीलिंग है पीलिंग के बाद वाला बोलो ठीक है पीयर्स आर वेरी गुड आर स्लाइस्ड 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 एंड एक और चीज की जाती है आपको पता है कोरिंग क्या है व्हाट इज कोरिंग हाँ पियर्स आर को देखो जब आप सेब खाते हो तो सेब का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको क्या कहते हैं जो सेंटर वाला जिसमें बीज होते हैं कोर, कोर कहते हैं है ना कोर कहते हैं उसको तो कोर है मतलब पियर्स के सेंटर वाला जो हिस्सा है जिसमें दाने हैं जिसमें बीज हैं वो निकाल दिया जाता है कोर्ड एंड स्लाइसड एक तो सेंटर वाला कोर निकाल दिया और एक स्लाइसिंग कर दी ऊपर से छिलका उतार दिया ठीक है उसके बाद कैन अच्छा अगर आपको मतलब नहीं भी पता ना मैं आपको एक टिप देती हूँ अगर आपको मतलब नहीं भी पता ना तो कोरिंग है स्लाइसिंग है कोर्ड एंड स्लाइस लिख दो तो, आपका सही है मतलब मतलब जानने की जरूरत भी नहीं है ठीक है ठीक है हाँ अब ये ये क्लियर हो गया यहाँ तक यहाँ तक फिर कैनिंग है फिर सीलिंग है फिर कुकिंग है फिर लेबलिंग है स्टोरेज है डिस्पैच है लेट सी हाउ दीज थिंग्स हैव बीन रिटन अब देखो

फिर उसके बाद कुक किए जाते हैं दिस ऑल्सो स्टेरिलाइज द कैन फिल्ड विद पियर्स आफ्टर दिस द कैन आर लेबल्ड एंड स्टोर्ड एंड आर फाइनली डिस्पैच्ड टू द सुपरमार्केट फॉर सेल लेबलिंग है स्टोरिंग है फाइनली डिस्पैच है आपको ये पैसे वॉइस वाला पूरा फंडा समझ आ गया सिक्वेंसिंग की लैंग्वेज अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे ऐड करते हैं ये आपको बड़े इजी वे में ये इंद्रूप ने बनाई है क्लास वेरी इजी टेक्निक टू डू डू सो इन अ प्रोसेस ग्राफ ठीक है आप ना ए गुड अ गुड स्टेप टू टेक योर ग्राफ टू द नेक्स्ट लेवल आफ्टर यू हैव मास्टर्ड द पैसिव लैंग्वेज एंड द सिक्वेंसिंग इज टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज अब आपने पैसिव वॉइस सीख ली आपने सीक्वेंसिंग सीख ली अब आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आ जाए तो आपको आपका प्रोसेस जो है उसको इट बी ए इन द कैप ऑफ योर प्रोसेस ओके इट बी इट एड चार चांद लग जाएंगे हिंदी में कहते हैं आपके प्रोसेस को ठीक है आपने क्या किया आपने अच्छा प्रोसेस लिख लिया पैसिव सीख ली सीक्वेंसिंग सीख ली बस अब एक कॉम्प्लेक्स सीख लो बनाना और प्रोसेस आपका डेफिनेटली अच्छा चला जाएगा

और ये सेंटेंस पियर्स ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्री फैक्ट्री तो नाउन है इस 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 सेंटेंस को आप नहीं कर सकते हो इसको आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हो ठीक है क्योंकि ये वर्ब पे एंड नहीं हो रहा तो इसके बाद आप एक कनेक्टर ऐसे लगा दो वेयर या विच कुछ भी लगा सकते हो देखते हैं कौन सा सूट करता है दियर्स आर टेकन टू ए फैक्ट्री ठीक है अब ये पियर्स इन कैंसर फिर उसके बाद द कैंस आर सील्ड ये दो सेंटेंसेस सिंपल है इन दोनों को कॉम्प्लेक्स कर सकते हो क्योंकि ये वाला नाउन पे एंडोर है आप इसको कॉम्प्लेक्स बना सकते हो कैसे बनाओगे दियर्स आर पुट इन कैंस विच आर देन सील्ड यहाँ पे वेयर नहीं आएगा क्योंकि वेयर जगह नहीं है फैक्ट्री तो जगह थी वेयर कर दिया हमने कैंस जो है वो चीज है जो कि उसके बाद विच आ जाएगा विच आर देन सील्ड तो आपका पैसिव बन गया आ, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया ठीक है ये दो सेंटेंस है भी लिख सकते हो पर देखो आपको वर्ड्स बढ़ाने के तरीके सिखा रहे हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के तरीके सिखा रहे हैं

ये समझ समझ आ गया पॉइंट यस मैम ये होमवर्क के लिए आज मैंने दिया यही वाला दिया ना आपको यस मैम यस मैम ये होमवर्क के लिए अभी हाँ बोलो हमें कोई चीज पूछनी थी हाँ, पूछो पूछो जैसे ना जैसे क्वेश्चन में बड़ी अजीब सी चीजें के रखते हैं मतलब जो हमें नहीं पता होती जैसे fish था, fish लिखा हुआ था ये हाँ। अब जो लोग खाते है हाँ, उनको तो तो पता होता है इन के बारे में। लेकिन हाँ। मैं तो सोच ही स्मोक्ड फिश कौन सी होती है फिर मैंने गूगल हाँ। सर्च किया हाँ। मतलब पता नहीं था अच्छा आपके घर में माइक्रोवेव है यस मैम माइक्रोवेव के बाहर जो लिखी होती हैं चीजें कभी पढ़ी हैं नहीं मैम <laughs> उस उसमें है समझ गए okay. <laughs> हाँ, तो ठीक है और माइक्रोवेव जो है कॉमन चीज है चलो नहीं है तो आपने वैसे सीख लिया पर है तो आपको फिर आप ऐसी चीजों के ऊपर से इंग्लिश पढ़ो आपको कई चीजें आ जाएंगी वर्ड्स आ जाएंगे ठीक है तो बड़ी अच्छी वोकेबलरी ऐसे बन जाती है मैं तो अपने बच्चों को ये भी कहती होती हूँ कि जितनी तरह की कार्य हैं ना आप इन सब कारों के नाम के जो मीनिंग्स हैं वो करो जैसे आ, एंडिवर है फोर्ड वालों की है एंडिवर एंडिवर का मीनिंग है फिर एंटाइसर है एक मोटरसाइकिल या महा का एंटाइसर पहले था पता नहीं है कि नहीं एंटाइसर वर्ड तो इन सब के मीनंगज़्स हैं ये इंग्लिश के बड़े अच्छे वर्ड्स हैं ठीक है ये ऐसे वोकेबलरीरी डेवलप करो कारों के नामों से ठीक है ये बड़े अच्छे अच्छे नाम लिखते हैं तो नाम रखते हैं गाड़ियों वाले तो उनके भी मीनिंग्स होते हैं कईयों के ठीक है हाँ जी मैम तो थॉइंग वर्ड है चलो थॉ करना बर्फ को पिघलाना वो होता है ना जब फ्रीज करते हो चीज तो उसकी बर्फ को पिघलाना okay. उसको थॉइंग कहते हैं ठीक है ओके okay. और स्मोक्ड फिश okay. का अगर आपको मतलब नहीं भी पता अगर आपने पहले नहीं भी सुना हुआ पैसे वॉइस लिख के आप इसको अच्छा वाला सेवन प्लस पे ले जा सकते हो ग्राफ को विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग रीना मैं सही कह रही हूँ हाँ। आप बिल्कुल हाँ। आप जी मैं। हाँ। वो आप लेकिन अपने, वो... अपने जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जो मर्जी सीखते जाओ वो अच्छी बात है सीखना देखो जब मैंने हाँ। जब मैंने पढ़ाने लगी मैंने सैमन फिश के जो लाइफ साइकिल आया इसमें सैमन का तो मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे ये पता था कि फिश या तो फ्रेश वाटर होती है या सेलाइन uh, होती है सिलाइन वाटर में जो समुद्रों में होती है ठीक है अब वो जो सैमन फिश है वो फ्रेश में भी होती है सिलाइन में भी होती है थोड़ा सा ये मुझे थोड़ी सी मेरी जीके के बढ़ी मैंने उसके बारे में थोड़ा और पढ़ा तो मुझे पता चला इसको सुपर फिश कहते हैं क्योंकि ये ऐसी फिश है जो फ्रेश वाटर में भी रहती है और सिलाइन में भी रहती है अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी का सफर पूरा करते करते दोनों तरह के पानी में रहती है इसका लाइफ साइकिल ही वैसे बना हुआ है इसलिए इसको सुपर फिश कहते हैं और ये ये छोटी छोटी चीजें आपकी जीके बढ़ाती हैं

ये चीज आप अपने मन में ये डर हटा दो कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा सुना हुआ उसके बारे में लिख नहीं सकते हो यू हैव यू कैन राइट कुछ okay. नहीं है आपको प्रायर नॉलेज ये सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी थी जब मैं पढ़ाने लगी थी कि ग्राफ के बारे में प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है टू राइट ए गुड ग्राफ ओके यू डू नॉट नीड टू हैव दैट ये आप अपने मन से ये डर निकाल दो क्योंकि ये डर बैठा रहेगा तो ये डर रहेगा मन में कि कुछ ऐसा आ गया जो मैं नहीं पता तो क्या होएगा ठीक है ऐसा कुछ हाँ, नहीं होगा अबाउट दैट ओके और एक और मैम बात ये yes. है जैसे हम words, word count, words count बढ़ा रहे हैं हम लोग हाँ? हम सीधा इसी तरीके कोई करके चले ना मैम तो किसी में भी कम नहीं होंगे हमारे हाँ कई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती में प्रॉब्लम नहीं होती है वर्ड्स की ओके तो एक्चुअली ना मेरे को तो लिखने के बाद ही पता चलता है कि अब तो वर्ड्स कम रह गए हैं। फिर उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम कम होता है एग्जाम में नहीं मैम uh, नहीं, ऐसा नहीं आप... है okay. Haan, ऐसा नहीं है आपके पास आ, ऐसा नहीं है आप शुरू में आपको देखते आइडिया लग जाएगा कि इसमें अगर फोर्टीन स्टेप्स हैं आपको की नहीं आने वाली. अगर इसमें 5, okay, तो आप उसे okay साथ उस हिसाब okay से आपको आइडिया हो जाएगा लिखते लिखते ठीक है ओके okay, मैं, तो मैं. मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसमें uh, mm -hmm. इस सारे प्रोसेस है क्योंकि मेरी बुक में सारे वो ग्राफ्स हैं जो पास्ट एग्जाम्स में आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर बीइंग रिपीटेड आपको पता है सो ये, so, ये सबसे पहला जो इसमें ग्राफ है ये वाला मैंने अभी आपको करा दिया है ठीक है पियर्स स्कैन ठीक है है जो ग्राफ है, वो yeah. ये हाँ ये वाला ग्राफ है दिस इज हाउ ए सिंपल वाटर फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट फंक्शन सिंपल वाटर फिल्टर की कंस्ट्रक्शन दी हुई है ये ये देखो ये ना डब्बे को काट के अंदर दिखाया हुआ है लेयर्स को ये ऐसे नहीं है कि आपको ये दिख रही है अंदर पर ये एक डब्बा है और डब्बे के अंदर ये बंद है यहाँ से ये तो सिर्फ इसका कट सेक्शन दिखाया है आपको समझाने के लिए कि इस, इसके अंदर क्या है ठीक है ये एक डब्बा है इसके ऊपर ये लिड है इसका ढक्कन है ये लिड उठा के इसके अंदर इम्प्योर वाटर डाला जाता है और इस डब्बे के अंदर तीन लेयर्स हैं सबसे नीचे ग्रेवल है ग्रेवल होती है बजरी okay. बजरी सुना है ना अपने छोटे छोड़ छोटे पत्थर उसको बजरी कहते हैं ठीक है उसके ऊपर चारकोल है ये चारकोल होता है ये जो uh, कोयला ठीक है और उसके ऊपर सैंड है ठीक है अब ये जो पानी ऊपर से हम इम्प्योर वाटर डालते हैं ये पहले सैंड के थ्रू फिल्टर होता है फिर ये कोयल चारकोल के थ्रू फिल्टर होता है नीचे बजरी है उसमें उसके थ्रू फिल्टर होता है और नीचे थोड़ी सी जगह में ये स्टोर हो जाता है टेम्पोरिली और यहाँ से फिर ये एक पाइप है और ये पाइप ऐसे निकल के जाती है और ये वाला जो डब्बा है ये वाला डब्बा ये वाला जो है टैंक है जो ये इस टैंक से नीचे लेवल पे है इस टैंक से नीचे के लेवल पे रखा जाता है ये टैंक ऊंचाई पे रखा जाता है ये जो डब्बा है, है तो जो पानी है ठीक it, तो है, जा, है और यहां से फिर आप पोर्टेबल वाटर ये वर्ड सीख लो पोर्टेबल वाटर क्या होता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने लायक पीने लायक पानी को पोर्टेबल वाटर कहते हैं पीओ टी ए बी एल ई क्योंकि ये वर्ड्स आपको अगर आते होंगे तो अगर आपको ये ग्राफ आ गया तो आप लिख सकते हो ना पोर्टेबल वाटर यहाँ से मिल सकता है और पोर्टेबल वर्ड लिखने से आपका इंप्रेशन है और फिल्टर वाले दो तीन ग्राफ आए हुए हैं ठीक है फिल्टर वाले दो तीन ग्राफ है तो पोर्टेबल वर्ड आपको आ जाएगा आप ऐसे अपनी वोकेबलरी बिल्ड कर लिया करो जब आप कर रहे हो कोई ग्राफ अगर आपको ये वाला ग्राफ आ गया यूल नो द वर्ड आप लिख सकते हो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो तो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को क्या कहते हैं पोर्टेबल वाटर p o t a b l e पोर्टेबल वर्ड तो आपने सुना हुआ ना p o r t a b l e पोर्टेबल उसका क्या मतलब होता है पोर्टेबल का पोर्टेबल का क्या मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके चीज दूसरी जगह यस मैम यस उसमें से r निकाल दो पोर्टेबल हो गया पोर्टेबल होता है जो पिया जा सके पीने लाइक ठीक है अब आप इसको लिख सकते यह, हो ना यह, कि ना? ना? इंप्योर वाटर इज पुट मेरा एक मिनट फोन बजा जस्ट होल्ड

रमन क्लास चल तो रही है अभी आपकी राइटिंग राइटिंग पेपर होना है ना अभी ट्वेंटी फर्स्ट को तो आप क्लास ज्वाइन कर लो क्लास चल रही है ठीक है अच्छा चलो अभी फिर मैं क्लास के बाद बात करती हूँ आपसे ठीक है ओके okay. तो अच्छा ठीक है चलो हाँ मैं आप आप ग्रुप में डाल देना क्वेश्चंस प्लीज ठीक है हाँ ओके बाय बाय सो वन ऑफ आर स्टूडेंट्स है उसको न्यू पब्लिक बिल्डिंग आ गया न्यू पब्लिक बिल्डिंग ठीक है और फॉलो अप क्वेश्चन वो सब डाल देगीर एंड एक क्वेश्चन उसको पूछा कहती मैंने करा नहीं हुआ था डू यू स्टे अवे कैट नाइट तो इसका आंसर बोलना डिफिकल्ट इजी है, easy है? Easy. Huh? Yes, I stay yeah. कुछ भी बोल सकते हो ना आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो छोटे छोटे आंसर्स कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम स्पीकिंग हाँ. करते हैं मतलब कि जैसे मैं, मैं मैं फंबल हो जाती हूँ बोलते हुए मेरे मिक्स हो जाते हैं कितनी बार हाँ? बट अगर हम आराम से बोले बात पूरी एक्सप्लेन कर दे तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स इग्नोर हो सकती हैं जैसे बार बीच में हो जाती है कौन जैसे सी पस... कहीं 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 पे पे लगाना हो कहीं पे कुछ देखो लगाना मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने जो ऑब्जर्व करा है जो सेट्स हैं उनमें ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट उसमें okay. grammar, उसमें ग्रामर पनिश uh, होती है मतलब पेनलाइज होती है बैंड अच्छे नहीं जाते तो मैं सेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ मेरे हिसाब से सेट्स अगर आपके अच्छे जाएंगे आपके ओवरऑल आपके कभी भी कम बैंड नहीं आएंगे स्पीकिंग में इंट्रो so, सेट्स वो क्वेश्चंस हैं जो एक-एक दो-दो लाइन के आंसर्स हैं जिनको बच्चे मोस्टली इग्नोर करते हैं कि ये तो कुछ बोल ही लेंगे और वो क्वेश्चंस उनकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम प्लानिंग अ क्लास ऑन इंट्रो सेट्स हो सकता है एक दिन हफ्ते में हमने सोचा ना हम करेंगे तो इंट्रो क्वेश्चन जरूर करेंगे और उसमें उसको करते-करते आपको ग्रामर पे फोकस करा दूंगी ठीक है ठीक ओके hmm. okay. ओके okay. और क्यू कार्ड क्यू कार्ड में ग्रॉस अगर आप गलत जाते हो पास टेंस का क्यू कार्ड है ग्रॉसली प्रेजेंट में बोल देते हो या फ्यूचर का है पास्ट में बोल देते हो वो तो आपको भी समझ आए कि वो तो पूरा ही गलत हो जाएगा ना तो टास्क अचीवमेंट गलत हो जाएगी कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट आ जाए और आप बोल दो मैं इस कंट्री में गई थी मैंने वहां ये ये किया पास्ट में बोल दो तो पूरा ही गलत हो गया ना तो यू हैव टू यू हैव टू रियली रियली सी व्हाट व्हाट द क्यू कार्ड इज और उसका टेंस आपको फिर सही से करना है ठीक है

कहते हैं ना वापस आप अपने बच्चे तो बच्चों के लिए आपने जॉब छोड़ दी और नहीं करी कोई जॉब आप करना चाहते हो बस इजी सिंपल टू सपोर्ट आल्सो कि अब मैं करना चाहती हूँ जॉब बस ठीक है ये बहुत कॉमन है बहुत कॉमन है बच्चों के लिए अब जॉब छोड़ते हो बहुत बड़ा कॉमन है बड़े लोग. हाँ लुकिंग फॉरवर्ड वर्क हाँ बस ठीक है आप कुछ भी ऐसा बोल सकते ठीक है कॉमन क्या आपने को जा, जाते हैं ज्यादा। आप तो बोल देते हो ना नहीं कुछ कर रही फिर आपके डिफरेंट हो जाते हैं ठीक है तो so फिर मेरा वो कुछ हाउस होल्ड वर्क के बारे में पूछा जा सकता है मुझसे क्या करते हो हाँ, बोल सकते हो आई लुक आफ्टर माई होम एंड माई फैमिली माई चिल्ड्रेन बस आई टीच देम ज्यादातर कहाँ रूम कौन से रूम में बैठते हो क्या हाँ, करते हो यही सब है

स्पीकिंग टीचर रिमेम्बर बट मैम डर तो लगता मैं भी नर्वस हुई थी बिकॉज वो थोड़ा सिचुएशन ही ऐसे होते कि बोलने का मौका नहीं देते वो बीच बीच में कट 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 नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहते हैं फटाफट मतलब आप आंसर आंसर अपनी फ्लुएंसी पे भी दे रहे थे हाँ, कि भाई फा, हाँ फास्ट स्पीड पे रखना है क्योंकि वो सुन सुनने के इंटरेस्ट इतना होता नहीं उनका ऐसे शो कर देते हैं कई भाई मार्क्स की वो लेके बैठ जाते हैं तो मेरा ना बस उधर चले गया एक सेकेंड मार्क्स लिख रहे हैं सो so आई <laughs> तो नर्वस ये सब चीजें हैं कि भाई या तो आपका, <laughs> आपके आपके एग्जामिनर थी बैठी हुई सामने मतलब आपका वो, वो स्क्रीन पे तो नहीं हुई ना स्पीकिंग नहीं नहीं स्क्रीन पे नहीं हुई सामने बैठी थी मास्क लगा के मैंने एक दिन पहले प्रैक्टिस करी थी ठीक है थी। के साथ मास्क तो हाँ। okay, लगा के बोलना है

कोको बीन्स की ये है प्रोसेसिंग ऑफ कोको बीन्स ठीक है ये कोको बीन्स की प्रोसेसिंग है ये देखो इस साइड पे लिखा है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री ठीक है अब जो स्टेज वन है वो यहाँ तक है यहाँ तक स्टेज वन है यहाँ ये ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेज टू के हैं और ये वाले जो स्टेप्स हैं ये स्टेज थ्री के स्टेप्स हैं तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि, कि कितने स्टेप्स हैं कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं ये लिख सकते हो स्टेप्स लिख सकते हो Uh, ये स्टेप्स काउंट करने मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि प्रेसिंग के बाद डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रेसिंग के बाद दो तरीके से कुछ हो रहा है ठीक है तो इसलिए आप ना ये लिख सकते हो इंट्रो में ओवरव्यू में कि थ्री थ्री स्टेजेस आर देयर इन द होल प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल पिकिंग टू द नो मेकिंग ऑफ टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द कोको पाउडर टू द कंज्यूमर And the refinished chocolate products. But Industrial chocolate, sugar, bahut kuch hai isme. There are many steps. So let's see how this has been written. Uh, the given flowchart illustrates how cocoa beans are produced to obtain different products. Okay? Overall, there are three stages in the process of making different products from cocoa beans. <laughs> there is <laughs> no difference. Hai. Jada process a flowchart. flowchart process. a linear process. Hai. इक्लिकल प्रोसेस होंगे जिन्हें वापिस वही चीज हो, हो जाती है ए लीनियर प्रोसेस है देखो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस दिस इज ए पिक्टोरियल प्रोसेस लीनियर है इम्प्योर वाटर फाइनली यू गेट प्योर वाटर पर प्योर वाटर वापिस इम्प्योर ऐसे नहीं जा रहा तो इट्स इट्स नॉट इट्स इट्स अ पिक्टोरियल ये भी फ्लो चार्ट है पिक्टोरियल फ्लो चार्ट है दो स्टेप्स ऐसे दिख रहे हैं आपको ये फ्लो चार्ट ये होता है कि फ्लो करते हैं स्टेप्स ये इसको फ्लो चार्ट भी कहते हैं प्रोसेस भी कहते हैं ये लीनियर प्रोसेस है फ्लो चार्ट मतलब या एक लाइन में चलती हैं चीजें साइकिल में नहीं जा रही एक साइकिलिकल प्रोसेस होता है ठीक है ओके हाँ ऐसा कुछ डिफरेंस ऐसा uh, नहीं है इंटर रिलेटेड ही है तो uh, यहाँ तो लिखो ओवरऑल डायग्राम हेलो मैम हाँ जी डायग्राम मिल गया डायग्राम फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस सेम ही होते हैं ना सेम ही है एक तरह से सारे डायग्राम्स ही हैं ये आपको ये पता है ना ऐसे फ्लो चार्ट लिखते हो एरोज डाल के तो फ्लो चार्ट दे बोल दो इसमें जिसमें एरोज रहे इसमें उसको फ्लो चार्ट बोल दो जो स्टेप्स के इन, इनकी ड्राइंग की जगह पिक्चर बनी हो सकती है ड्राई करने की ये एरो होंगे तो ये फ्लो चार्ट है ठीक है ओके मैम तो ये है ओवरऑल देर आर थ्री स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोको बीन्स फ्रॉम द इनिशियल होल बीन्स टू द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थी तो इसको इस वे में लिख दिया ये आपको समझ आ गया मेथड वही है जो आपको कराया है कि पहले वन सेंटेंस की इंट्रो है और फिर टू वन सेंटेंस ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया ओवरऑल देर आर थ्री स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ कोको बीन्स फ्रॉम द इनिशियल होल बीन्स टू द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट

फर्स्टली uh, देखो सबसे पहले ये dried beans की प्रेसिंग की जाती है. फिर फिर उनको दोबारा करते हैं. हैं और कुछ को फिर भेज देते फॉर रिफाइनिंग दे आर फर्दर रिफाइंड ठीक है uh, ये ना मेरे से ये एरो गलत बन गई है ये शुगर इंडस्ट्रियल चॉकलेट में ऐड की जाती है शुगर निकालते नहीं है ये एरो की डायरेक्शन इधर है ये डायग्राम रॉन्ग है

आप कंफ्यूज नहीं होना ये नोट कर लिए आपने ये पॉइंट्स अपने दिस इज दिस आई मेड रॉन्ग मे से गलत बना हुआ है इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज द कोको केक इज ग्राउंड टू मेक कोको पाउडर ये देखो ग्राउंडिंग ठीक है इज ग्राउंड टू मेक कोको पाउडर एंड लिकर इज आल्सो अपटेन्ड अब जब ग्राइंडिंग करते हैं तो कोको पाउडर बन जाता है और फिर जो पानी निकलता है दैट इज कोको लिकर ठीक है जो कोको पाउडर है वो भी कंज्यूमर को बेचा जाता है और लिकर जो है वो इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है फॉर मेकिंग केक्स एंड ड्रिंक्स ये समझ आ गया आपको प्रोसेस ठीक है और इधर क्या है फर्दर रिफाइनिंग के बाद इंडस्ट्रियल चॉकलेट बनाई जाती है और जो चॉकलेट है उसमें शुगर ऐड की जाती है फिर उसकी फाइनल प्रोसेसिंग की जाती है फिर फिनिश चॉकलेट प्रोडक्ट्स बनते हैं चॉकलेट्स बनती है जो कि कंज्यूमर्स को फिर बेच दी जाती है ठीक है ये समझ आ गया आपको सारा मैं आपको इसमें मैं समझा देती हूँ सारे प्रोसेस बाकी आप पढ़ लेना आप कल और परसों दो दिन है जो आप बोलोगे मैं डिटेल में समझा दूंगी ठीक है दिस ऑल्सो केम टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दैट दो तीन बार रिपीट हो चुका है दिस इज हाउ ड्रिंकिंग वाटर इज मेड यूजिंग सोलर पावर अब इसमें भी आपको वो वर्ड एक मैंने वर्ड आपको सिखाया है जो आप oh, इसमें भी डाल सकते हो पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल देखो मैं इसीलिए मैंने पोर्टेबल वाटर सोच लिया था क्योंकि तीन चार ऐसे ग्राफ हैं जिनमें पोर्टेबल वर्ड यूज हो जाता है ठीक है सो यू कैन यू कैन लर्न दैट वर्ड सो द गिवन प्रोसेस इलस्ट्रेट्स हाउ अंडरग्राउंड वाटर इज पंप्ड आउट एंड मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाई यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन तो ये एनर्जी फ्रॉम द सन है सोलर एनर्जी ये सोलर पैनल्स है ये सोलर क्या है कंट्रोलर ठीक है ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ये नीचे अंडरग्राउंड पंप है और ये पंप जो है ये अंडरग्राउंड वाटर को फिर पंप के थ्रू पुल कर दिया जाता है और ये जो एनर्जी है ये सन से, से और फिर ये वाटर फिल्टर है ये वाला पानी वाटर फिल्टर में भेजा जाता है वाटर फिल्टर से फिट फिल्टर होके ये एक टैंक में आता है जो टैंक ही एक वुडन वुडन प्लेटफॉर्म में रखा जाता है ऊंचा और ये जो ड्रिंकेबल वाटर है इसको क्या बोलोगे आप अपने ग्राफ में पोर्टेबल वाटर एंड यहाँ पे टैप है इट कैन बी ये मूवेबल कंटेनर है इसमें आप ले सकते हो और इसको कहीं भी ले जा सकते हो पीने वाले पानी को समझ आ गया आपको ग्राफ ठीक है मैं movable container को portable container भी तो लिख सकते हैं ना फिर हाँ पोर्टेबल पीओ आर्ट ये हाँ वो लिख सकते हो डेफिनेटली okay? अब ये देखो अगला अच्छा अब इसमें देखो इसमें इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो देखो कम आएगी इसमें एक्टिव ज्यादा आएगी क्योंकि आप ना इसकी हिंदी करके देखो पंजाबी करके देखो हिंदी करके एक पर्सन है वो लाइसेंस सेंटर जाता है ये लाइसेंस लेने का तरीका है प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लाइसेंस अब लाइसेंस सेंटर इज विजिटेड बाय द पर्सन ऐसे थोड़ी लिखो अजीब नहीं लगता पर्सन विजिट्स द लाइसेंस सेंटर ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा आपको बोलने में एक, आप हिंदी कर, हिंदी में बोलो हैं इसको। हैं। एक पर तो यहाँ पे पैसे सिंपल है ठीक है रीना पूछ रहे थे ना कराना तो मैंने आपको समझा दिया है है कि ऐसे ग्राफ आप हिंदी पंजाबी करके देखो आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए ठीक है फिर द पर्सन देन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन ही गोज फॉर द आई टेस्ट ठीक है अपने आप जा रहा है ना बंदा आई टेस्ट के लिए देन द द द द पर्सन पर्सन फॉर आई आई टेस्ट टेस्ट नाउ इफ फेल्स तो यहीं पे उसका पत्ता साफ काट देते देना अगलों ने। अगर उसकी नजर ही नहीं सही उसको देंगे license? नहीं ना तो यहीं पे उसके नॉट एप्लीकेबल हो गया But if he passes the test, फिर फिर उसके बाद क्या होता है यहां पे मैम हम और दोनों पर्सन कर दो ना इफ पर्सन इफ दर्सन इफ आई टेस्ट

Yes. ये आप हिंदी करोगे आपको समझ आ जाएगा ये मैंने पिछली बार होमवर्क में दिया था तो बड़े बच्चों ने ना इसमें पैसिव डाली हुई थी फिर मैंने समझाया था कि इसमें पैसिव इतनी जचेगी नहीं इसमें एक्टिव आएगा तो आपको एग्जाम्पल भी मिल गया कि कैसे ग्राफ है जिसमें एक्टिव वॉइस भी आ सकती है मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव आएगा ठीक है तो पर्सन जो है ही पेज द फी अच्छा फी पे करके फिर उसने रिटर्न टेस्ट देना है ठीक है ये एरो देखो यहाँ जा रही है ना तो उसके बाद ही टेक्स द रिटन टेस्ट हम ना हमेशा टेस्ट को टेक करते हैं हम गिव नहीं करते एग्जाम को हम टेक द एग्जाम करते हैं तो ही ही टेक्स द रिटन टेस्ट अगर रिटन टेस्ट में इफ द पर्सन फेल्स फिर वो दोबारा रिटन टेस्ट देता है फिर फेल हो गया फिर वो तीसरी बार रिटन टेस्ट देता है ठीक है अगर तीसरी बार फेल हो गया तो फिर फिर वो क्या करता है? है उसको दोबारा पे करता है दोबारा करनी पड़ेगी और ये साइकिल दोबारा चल पड़ेगा ठीक है अगर वो फी पे पे करके कई लोग जो री, री री लाइसेंस लेने आते हैं ना फिर उनका शायद रिटर्न टेस्ट नहीं होता तो ये एक एरो सीधा ड्राइविंग टेस्ट पे भी चला जाता है यस yes, ठीक है और अगर ड्राइविंग टेस्ट yes. में फेल हो गए तो फिर फिर क्या है पे द फी अगेन ड्राइविंग yes, टेस्ट एक ही बार होता है ठीक है अब रिटर्न टेस्ट में जो पास हो गया वो ड्राइविंग टेस्ट देगा

हा बोथ आर करेक्ट ठीक है ओके सो आई जस्ट शो यू दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दोनों स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट है ओके जस्ट वेट देखो के लिए <laughs> ऐसे है ये देखो ये देखो ये लाइसेंस है यूएस में एस है और ब्रिटिश में सी है ये मेरी ब्रिटिश ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी नाइंथ एडिशन है जो मैंने जिसको मैं फॉलो करती हूँ ठीक है और ये मैंने इसमें से चेक करा था कि ये यूएस में एस है और ब्रिटेन में सी है लाइसेंस मैम लेबर में भी ऐसा ही है लेबर हाँ वो 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 तो वो तो, वो तो यू तो हटा रहे हैं ना अमेरिकन वो तो कॉमन yes, है हुँ. पर ये सीई एस वाला थोड़ा वो था आ, कॉम्प्लिकेटेड ठीक हाँ, है ओके okay. चलो ये हो गया आपका ये दोनों स्पेलिंग सही है अब नेक्स्ट आ जाओ ये ये वाला भी पता है बड़ी बार आ चुका है ग्लास जो है रीसाइकलिंग ऑफ ग्लास ग्लास बॉटल्स ठीक है अब मैं आपको सिर्फ इसके फटाफट फटाफट सारे ग्राफ्स करा दूं काफी सारे हैं तो आपको समझा दूं बाकी आप आज रीड करोगे ग्राफ्स और एक आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है ठीक है ग्लास uh, बॉटल्स ये पब्लिक से कलेक्ट किए जाते हैं फिर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जाती है और मेटल और प्लास्टिक कैप रिमूव कर दी जाए मैंने गलत लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करके ना उसके बाद मेटल और प्लास्टिक कैप अलग कर दिए जाते हैं निकाल दिए जाते हैं प्रोसेसिंग प्लांट में फिर ले जाते हैं वहाँ शीशे को तोड़ दिया जाता है कांच उसको कांच को तोड़ के फिर कारों में टूटा हुआ का कांच आगे ले जाते हैं फर्नेस में फर्नेस में इतने डिग्री सेल्सियस पे इसको जो जो और रॉ मटेरियल भी ऐड कर देते हैं टूटे टूटे हुए कांच में और भी रॉ मटेरियल ऐड कर देते हैं फिर उसको फर्नेस में 1200 डिग्री सी पे हीट किया जाता है और ये दो स्टेप्स ग्लास फैक्ट्री में हो रहे हैं फिर ये जो मेल्टेड मिक्सचर है इसमें नए नई बॉटल्स बनाई जाती हैं ठीक है ये दो स्टेप्स प्रोसेसिंग प्लांट में किए जाते हैं ये वाला और ये वाला और ये वाले जो दो स्टेप्स हैं ये किए जाते हैं ग्लास फैक्ट्री में ठीक है ये सबसे पता ना कौन से तो प्रोसेसिंग प्लांट में कौन से हैं? ये, ये तो हाँ ये वाला और ये वाला ये देखो ये दो ठीक है ये प्रोसेसिंग प्लांट और ये जो ग्लास फैक्ट्री ओके मींस ये क्लासिफिकेशन वाला कह रहे हो आप क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड जो ब्रेक किया जाता है ये दो स्टेप्स प्रोसेसिंग प्लांट में किया जाते हैं

क्योंकि मेटल और प्लास्टिक को शीशे में आपने डाल के फर्नेस में नहीं डालना है ना कैप्स तो रिमूव करनी करनी है ठीक है ये करनी है ठीक है इजी है पढ़ोगे समझ आ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक ये वाला यहाँ से गलत है आप सिंपल लिख दो कि प्लास्टिक एंड मेटल कैप्स रिमूव इन क्लासिफिकेशन सेंटर ठीक है ये वाला नहीं करेंग ये यही मेरा लास्ट है मेरे को भी टाइम नहीं मिला उसको मॉडिफाई करने का यही हाँ अभी करा नहीं है पर मैं आपको बताती okay. हूँ चेंज करना है ठीक है और ये जो है देखो ये okay, है वॉटर सप्लाई सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया जो प्रेजेंट है और ये फ्यूचर का है अब ये इस तरह का ग्राफ है ये ना एक्चुअली इट इज नॉट ए प्रोसेस पर एक तरह से ये थोड़ा सा प्रोसेस की लैंग्वेज आएगी ये आज पानी ऑस्ट्रेलिया में कैसे सप्लाई हो रहा है और ये फ्यूचर में क्या प्लान है कैसे सप्लाई होगा अब आप सिर्फ डायग्राम को अच्छे से समझो ये प्रेजेंट वाटर सप्लाई सिस्टम लिखा हुआ है यहाँ पे डैम है तो ये हाउस होल्ड है फैक्ट्रीज है शॉप्स है ये सिटी है ये पूरी सिटी है डब्बे में ठीक है सिटी में तीन चीजें हैं हाउस होल्ड फैक्ट्रीज शॉप्स नीचे एक रिवर है ठीक है यहाँ पे एक डैम बना हुआ है और ये यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ठीक है अब जो डैम है डैम का क्या मतलब होता है स्टोरेज ही होता है ना पानी स्टोर हो रहा है डैम में वहां से पानी सप्लाई किया जाता है सिटी को ये पूरी सिटी को ठीक है हाउस होल्ड को फैक्ट्रीज को शॉप को yes, yes, ठीक है अब यहाँ से जो पानी यूज होता है ये यूज पानी कहा जा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और ट्रीटमेंट प्लांट से ये फिर ट्रीट करके पानी को रिवर में फेंकते हैं और कुछ पानी सीधा भी रिवर में जाता है फ्रॉम द सिटी ये आज के दिन में ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने डायग्राम में बताया ये जो एरो ये जो ये जो है ना डेस्ड लाइन ये वेस्ट वाटर है और ये जो स्टॉम वाटर ये ये वाला ना सिंपल डॉट्स वाली लाइन है ये यहाँ पे क्लियर नहीं ये है सिंपल डॉट्स वाली ये सेकंड वाली एरो है ये स्टॉम वाटर है कभी आंधी आई बारिश आया सिटी में तो वो पानी सीधा रिवर में ऐसे चला जाएगा पर जो पानी यूज हो रहा है वो वेस्ट वाटर है वो ट्रीटमेंट प्लांट से होके रिवर में जाएगा ये समझ आ गया आपको ग्राफ अच्छे से आपको डायग्राम समझना है ये देखो सिटी दिखाई है सिटी में तीन चीजें हैं ये तीन एरोज नीचे लेजेंड है जो जो डार्क वाली एरो है ये तो प्योर वाटर है डैम से क्या होता है प्योर वाटर सिटी को प्रोवाइड किया जाता है ठीक है अब ये जो सिंपल छोटी छोटी डॉट्स वाली ये वाली है ये अब मैंने बड़ी छोटी करी थी डायग्राम तो डॉट सट गई ये सीधा जो स्ट्रॉम वाटर है जो आ, जो बारिश पड़ती है जो आ, बारिश का पानी है वो सीधा रिवर में चला जाता है शहर से बह के ठीक है और यहाँ से शहरों में जो यूज हो के पानी है वेस्ट पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वापस रिवर में फेंक दिया जाता है रिवर में गंदा पानी सीधा नहीं फेंका जाता आज भी तो ये आपको समझ आ गया प्रेजेंट क्या है वाटर सप्लाई सिस्टम अब फ्यूचर में क्या है फ्यूचर में देखो डैम है डैम से पानी जा रहा है वही सिटी में कोई फर्क नहीं है वैसे का वैसे जा रहा है पर यहां से ये वाली एरो हट गई ठीक है तो अब क्या किया इन्होंने स्टॉम वाटर को भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के में डाला और जो घरों में वेस्ट वाटर यूज हुआ है उसको भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में डाला ठीक है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिर प्योर वाटर एक तो स्टोरेज से प्योर वाटर और ट्रीट करा कर गया प्योर वाटर फिर वापस सिटी में रिसाइकल कर दिया गया वापस भेज दिया गया अब क्या है वेस्टेज ऑफ वाटर हट गई रिवर में पानी नहीं जा रहा ना यस yes, मैम हाँ तो बस यही लिखना है आपने कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे ठीक है पहले इसको एक्सप्लेन कर देना एक पैरे में कि प्रेजेंट वाटर सप्लाई क्या है और फिर फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे छोटा सा पैरा उसका बन जाएगा समझ आ गया सबको किसी को कोई डाउट है नो क्लियर क्लियर ठीक है ओके okay. नेक्स्ट देखो ये वाला ये अब भी रिपीट हुआ है दो बार आफ्टर द लॉकडाउन ठीक है ये मेरे स्टूडेंट्स को आया हुआ है ग्राफ अगस्त में आया उसके बाद फिर पता नहीं कब रिपीट हुआ है दो बार रिपीट हुआ है ठीक है और अब दो बार रिपीट होने का ये मतलब नहीं नहीं आएगा आपको पता चल गया ना एक मैप है जो तीसरी बार आया अभी पिछली बार थर्टी फर्स्ट को ओके सो यू ऑलवेज बी वेरी ये अभी रिपीट हुआ है तो अभी तीसरी बार भी रिपीट हो सकता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉफ्ट चीज ठीक है अब सबसे पहले मिक्स ये ये लेजेंड है ये एक्स का क्या मतलब है ये देखो लिखा हुआ है एक्स का क्या मतलब है मिक्स ठीक है ये वाले सिंबल का क्या मतलब है हीट ठीक है ये ये वाला जो खाली है ये लिक्विड है और ये थोड़ा सा थिक लिक्विड है और ये और ज़्यादा थिक लिक्विड है ये लिक्विड ये ज़्यादा थिक लिक्विड है ठीक है अब देखो कैसे है पहले मिक्स किया जाता है ये स्टूडेंट ने ड्रॉ किया उसने मुझे दूसरे जिसको अभी आया ना उनसे बोला मैम बिल्कुल वैसा ही था बिल्कुल वैसा ही था तो मैं बच्चों से बनवाती हूँ आके ना बाहर जब आप पेपर दे के आते हैं कि मुझे बना के दो प्लीज़ क्या आया था तो यहाँ पे वाटर एंड मिल्क को मिक्स किया जाता है उसके बाद यहाँ पे 5 डिग्री सी 5 डिग्री सेल्सियस पे दो घंटे के लिए क्या किया जाता है कूल cool no. किया जाता है उसके बाद इसको फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है फर्मेंटेशन भेजने से पहले क्या किया जाता है बिफोर फर्मेंटेशन व्हाट इज डन साल्ट इज एडेड साल्ट इज एडेड फर्मेंटेशन कितने टेंपरेचर पे की जाती है 35 थीखे, तो थीखे, 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 तो हाँ दो घंटे के लिए उसके बाद कौन सा स्टेप है पे पर फर्मेंटेशन में भी थिक, थिक, थिक लिक्विड का है ना ऊपर ये ये थिक ये थिक थोड़ा सा थिक हो जाता है जब फर्मेंट करते हैं थोड़ा पानी निकल गया पहले बिल्कुल पतला लिक्विड था थोड़ा सा थिक हो गया ये थोड़ा ठीक हो गई ठीक है उसके बाद फर्मेंटेशन के बाद क्या किया जाता है कितने डिग्री ये हो गया इवेपोरेशन इवेपोरेशन 100 डिग्री सी पे 8 घंटे के लिए तो स्टीम ऊपर से अच्छा दिखे स्टीम, दिखे। स्टीम दिखे। दिखे। अच्छा आप मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्टिव लगेगा कि पैसिव लगेगा स्टीम जो ऊपर से निकल रही है स्टीम इज रिमूव वेरी गुड अब अब आपको समझ आ गया कहाँ पे एक्टिव डालना है कहाँ पे पैसिव डालना है ठीक है yes, यहाँ yes, स्टीम अपने आप बाहर आ रही है ठीक है स्टीम एस्केप्स स्टीम एस्केप्स फ्रॉम ए होल ऑन द टॉप एंड दिस दिस मिक्सचर टर्न्स इट टर्न्स मोर थिक इट टर्न्स थिकर ठीक है फाइनल स्टेप में क्या होता है मैम स्टीम की पंप आउट भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हो

मैम इवेपोरेशन से मतलब उसको बॉईल किया गया ना हाँ इवेपोरेशन आठ घंटे में उसको गरम किया बॉईल किया है ना मैम हाँ ये इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है फर्मेंटेशन होती है उसमें फर्मेंटेशन जैसे ईस्ट डालते हैं यीस्ट डालते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होती है ना खमीर खमीर पैदा करना नहीं। फर्मेंट नहीं। करना इस खमीर पैदा करना उसमें हिंदी okay. में ठीक है और okay. फिर लास्ट okay. में क्या किया जाता है कूलिंग एंड कूलिंग में इट टर्न्स इवन थिक हो जाता है अब बिल्कुल थिक हो जाएगा और नीचे से क्या निकल जाएगा बाहर वेस्ट वाटर कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम एंड द सॉफ्ट चीज इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द टॉप ठीक है और ये कूलिंग कितने टेम्परेचर पे कितने घंटे के लिए की जाती है ये समझ आ गया ये मैंने अच्छे से समझा दिया अभी अब एग्जाम में आ जाए तो कर देना अच्छा सा लिख देना ठीक है कर लेना सारे ग्राफ। ये सैमन का आ गया, मुझे बताओ ये सेमन के अंडे हैं ये सैमन एग्स लिखा हुआ है यहाँ पे अंडे हैं और ये लिखा हुआ है स्मॉल स्टोन ये छोटे छोटे पत्थर हैं ये जो ये जो प्लांट्स हैं इनको लिखा हुआ है रीड्स ठीक है ये सारा जो एरिया है ये है अपर रिवर अपर रिवर में पानी क्या है स्लो मूविंग ठीक है यहाँ पे अंडे कितना टाइम रहते हैं बस आपको डायग्राम पांच से छह महीने यहाँ अंडे रहते हैं अंडे जो है वो पत्थरों के बीच में सुरक्षित रहते हैं सो so, द सेमन जो है बड़ी सियानी <laughs> है ये <laughs> फिश ये बड़ी सियानी फिश है इसको पता है अब ये बूढ़ी हो गई है बहुत बड़ी हो गई है अब इसका टाइम आ गया तो ये वापस ना ये यहाँ से शुरू करना है वैसे मैं आपको समझा रही हूँ ये वापस आती है अपर रिवर में क्योंकि वहां पे पानी स्लो मूविंग है अगर वहां पे ये अंडे देगी तो अंडे वहां टिके रहेंगे बहेंगे नहीं क्योंकि पानी क्या है स्लो मूविंग है सो सैमन लेज इट्स इन स्लो मूविंग अपर रिवर अंडर द कवर ऑफ स्मॉल स्टोन एंड रीड्स वहां पे पौधे उगे हुए हैं छोटे छोटे पत्थर है उनके बीच में जाके अंडे दे, दे देती है ठीक है फिर इसके अंडे यहाँ पांच छह महीने रहते हैं और उसके बाद अंडे हैच करते हैं उनमें से क्या निकलता है फिश हाँ ये जो फिश है इसको क्या कहते हैं जो छोटी सी फिश है फ्राई का उसका नाम है, है फ्राई ये फ्राई ये फ्राई वो नहीं है जो आप फ्राई करते हो किचन में ये फ्राई फिश का नाम है ये भी कंफ्यूजिंग है मैं फ्राई हमें मैं फ्राई करने नहीं नहीं ये फ्राई इसका नाम है ठीक है अब अब ये जो फ्राई है ये कहाँ आ जाती है लोअर रिवर में लोअर रिवर और एस्चुअरी अच्छा आपको पता है एस्टूअरी किसे कहते हैं ये जनरल नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी no. जहाँ पानी रिवर और ओशन मिलते हैं जहाँ पे रिवर और ओशन जहाँ पे रिवर और रोशन मिलते हैं हाँ, है। उसको एस्चुअरी कहते हैं ठीक है एस्चुअ में पानी फास्ट फ्लोइंग होता है और वहाँ पे ये जो फ्राई है कितने साल रहती है ये जो सारी चीज फोर ईयर फोर ईयर मैम चार साल में ये बड़ी होके क्या बन जाती है स्मोट 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 का साइज क्या होता है कहाँ जाती है वहाँ कितना वहाँ पे कितनी बड़ी हो जाती है फिर फिर उसके बाद वापिस कहाँ चली जाती है ये समुन्दर है उसके बाद वापस कहाँ चली जाती है अपर रिवर में अपर रिवर अपर रिवर में क्या करने जाती है पता है अंडे देने और, और इसको ना जब मैं इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि अंडे देने के बाद फिर ये फिश मर जाती है ओके अब अब ये जो है ना अब मेरे को किसी स्टूडेंट ने कमेंट डाल दिया मैडम आप अपनी प्रायर नॉलेज से लिख रहे हो यहाँ कहाँ लिखा है वो मर जाती है तो मुझे अपनी गलती समझ आ गई इसमें नहीं लिखा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको पता है तो आप लिख दोगे पर वो गलत नहीं है पर आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई प्रायर नॉलेज हो ठीक है तो सैमन वहां पे अंडे देती है एंड द साइकिल अगेन फाइनली आप क्या बोलोगे द साइकिल अगेन फिर अंडे से फ्राई फ्राई से स्मोल्ट स्मोल्ट से अडल्ट सैमन, अडल्ट सैमन से फिर अंडे ठीक है यह आपको देखो आपको डायग्राम को ना ठंडे दिमाग से देख के समझना है आपको ये डायग्राम समझा रही हूँ क्योंकि अगर आपको कोई नया डायग्राम भी आ जाए आपको आपको अब मैं बैठ के ये टाइम लगा के आपको डायग्राम पढ़ने सिखा रही हूँ ना आप इसको गलत नहीं समझोगे ठीक है आपको समझ आ रहा है ना ये डायग्राम कैसे सब कुछ तो लिखा हुआ है ठीक हाँ, है एक्टिव है? हाँ, के पैसिव एक्टिव एक्टिव ये नेचुरल साइकिल है रीना समझ आ गया जो एक्स वाले ना पैसिव, पैसिव।, पैसिव। अक्टिव। 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 अक्

ओके okay. और जब मैम कहीं पे लिखा होता है जैसे मैराथन रेस था स्पीकिंग हाँ, में हाँ। तो उसमें जैसे मैं बात कर रही थी टेन के मेरी फ्रेंड ने विन किया इस हाँ, वॉन किया इस प्राइस को लास्ट ईयर हाँ। किलोमीटर अच्छा रीना एक मिनट आपने अच्छा किया ये भी बोल दिया डब्ल्यू ओ एन डब्ल्यू ओ एन क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं तो वॉन बोलती हूँ हाँ। की क्या प्रोन ओ एन की क्या प्रोनाउंसिएशन है वन मैम ऑन है वन On. एक मिनट में, वन एक मिनट ये देखो ये प्रोनंसिएशन आप पढ़ सकते हो ये ओ एन ई है ओ एन ई की आपको आती है ये है ये लिखी हुई है ठीक है ये one. है वन ठीक yes, है yes, one. मैं लिखती हूँ जो आपने अभी बोला है इसकी क्या लिखा है बिल्कुल सेम नहीं लिखा हुआ हाँ जी मैम तो ये भी वन ही है वॉन नहीं है ओके मैम ओके मैम अच्छा ये वॉन नहीं बोलना कभी भी इसको दिस इज नॉट वॉन वही है आपको समझ आ गया exactly, exactly है जो ये है. ये देखो प्रोनाउंसिएशन okay, ओके बड़ी चीज है, मैं तो, मैं तो हाँ, बहुत, बहुत है और मेरे शुरू जब पढ़ाने लगी थी मेरे पास एक स्टूडेंट था उसके ओवरऑल साढ़े आठ बैंड थे आइल्स में वो वन वन बहुत करता था मैंने उसको बोला आज तो सौ बार वन 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 करते जाना कर और एंड ही गॉट आई हैव मैंने स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी आ, ओके कहां पे है? ये वाला नहीं है न्यू शेयर ये ठीक है तो वो वन है ठीक है ओके okay, अब ये वाला क्या है प्रोसेस ये देखो अच्छा आपका बीच में रह गया रीना आप क्या बोल रहे थे मैं ये बोल रही थी कि वो जो टेन किलोमीटर की रेस लगाती है हाँ। तो उसमें तो लिखा माल इन शॉर्ट में टेन के एम तो वो टेन किलोमीटर है ना हाँ कोई बात नहीं जैसे मर्जी लिख सकते हो ओके okay. हाँ, okay, हाँ, अच्छा ये क्या है कैनिंग ऑफ फिश है जैसे कैनिंग ऑफ पियर्स का हमने ग्राफ करा है वैसे कैनिंग ऑफ फिश का ग्राफ है बस ये सारे स्टेप्स हैं इसमें जा रहे है. है? Yeah. हैं ठीक है फिश को कैन में डालना है वहां पे हमने yes. को कैन में डाला था ठीक है mm -hmm. और ये इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ब्राइन ब्राइन क्या होता है नमकीन पानी सोल्ट वाटर अच्छा वो में कर सकते ठीक है अब नेक्स्ट ये वाला देख लो ये क्या है ये पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है कि रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करके घरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है ठीक है ये बड़ी ये बड़ी मुश्किल मुश्किल स्टूडेंट से बनवाया था डायग्राम बड़ा बना बिकॉज पता है बच्चों की गलती नहीं है बाहर आकर रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है डायग्राम इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर ऐसा डायग्राम आ जाए फिर भी उसने बड़ा अच्छा रिप्रोड्यूस कर दिया ये देखो रेन वाटर घरों पर गिर रहा है और ये घरों के अंदर से जो नालियां है उनमें से रेन वाटर जो है ये कलेक्ट किया जाता है सब घरों में से ये देखो सब घरों में से कलेक्ट करके वाटर फिल्टर में आता है वाटर फिल्टर से वाटर स्टोरेज में जाता है वाटर स्टोरेज से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है वहां इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और फिर ये क्लीन वाटर घरों को सप्लाई किया जाता है अब डायग्राम आप ध्यान से देखो आपको समझ आ जाएगा ये वाली जो पाइप्स हैं ये वाली इधर इधर वाली इनमें से जो रेन वाटर कलेक्ट होके कहा चला गया वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया ना ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ग्राफ है ये आ आया हुआ पास्ट में। ठीक है वाटर स्टोरेज का मीन जमीन के नीचे अपने आप नहीं तो नहीं टैंक जा... बनाए जाते हैं शहर में जो घरों का रेन वाटर है वो लोग अपने घरों में ऐसा सिस्टम बनाते हैं की रेन वाटर पाइप के थ्रू एक वाटर वाटर फिल्टर में चला जाए और वाटर फिल्टर से एक वाटर स्टोरेज टैंक में चला जाए जो की गवर्नमेंट ने बनाए होंगे कॉलोनीज में और उस टैंक से फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाते हैं और वहां से ट्रीट होके ये पानी फिर घरों को सप्लाई किया जाता है मैम ऐसा नहीं होना चाहिए था इसमें कि ना जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना वाटर वाटर स्टोरेज की जगह होना चाहिए था फिल्टर होके वाटर स्टोरेज ट्रीटमेंट में आता फिर उसके बाद वो वाटर फिर केमिकल ऐड होता उसमें फिर वाटर स्टोरेज होता और फिर क्लीन वाटर हो सप्लाई होता ये अब वहाँ देख लेना कैसे है अब जो मेरे को स्टूडेंट ने दिया मैंने उस हिसाब से लिख दिया आप वहाँ देख लेना हाँ जी तो यही होगा

ठीक है ये मत कहना कि एग्जामिनर को गलती लग गई है मैम ने ऐसे लिखा वैसे लिख देते <laughs> हैं <नहीं>। अरे <laughs> को गलती लग सकती, सकती है हम बहुत हम बड़े कॉन्फिडेंट होंगे लेकिन ना हम ना मुझे लगता है नहीं पर वो वो जो वहाँ जरूर देखना डायग्राम को क्या है ठीक है अब ये देखो ये भी पास्ट में ग्राफ आया हुआ है रीसाइक्लिंग Uh, ये स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं तो ये एरोज नहीं बनाई हुई सबसे पहले रिसाइकलिंग बिन में अलुमिनियम कैंस कलेक्ट किए जाते हैं फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर उनको सॉर्टिंग एंड क्लीनिंग की जाती है फिर उनको मेल्ट किया जाता है एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के बाद उनके लार्ज लार्ज ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं इन ब्लॉक्स को इंगट्स कहते हैं और जो फिर इंगट्स को रोल करके शीट्स बनाई जाती हैं और ये जो, जो शीट्स हैं उनसे वापस कैंस बनाए जाते हैं कैंस को भरा जाता है फिर वापस उनको सेल के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये समझ आ गया आपको ग्राफ? Yes, आगे चले? Yes, राइटिंग में उसने ये डायग्राम बना के दिया था तो मैंने उसको बिल्कुल माइंस में कोल को माइन किया जाता है पहले माइनिंग की जाती है कोल को खदानों से निकाला जाता है देन इट इज क्रश्ड क्रश करने के बाद इट इज ट्रांसपोर्टेड इन लॉरीज

जब नीचे आ रहा है तो कैसे आता है सिर्फ ये चीजें देख लो क्या क्या लिखी हुई है यहाँ गैस सिलेंडर टैंक है इसमें गैस सिलेंडर्स है यहाँ पे पैसेंजर्स बैठे हैं ये पैसेंजर्स के बैठने की जगह है यहाँ पे पैसेंजर के हाथ में ये कॉर्ड है ठीक है ये जो कॉर्ड है पैसेंडर इसको खींचता है जब खींचता है तो ये वेल्व क्लोज हो जाता है ठीक है वेल्व क्लोज हो जाता है तो यहाँ से जो बर्नर ऑन किए हुए हैं तो ये जो गैस है इससे ये फूल जाएगा फूलेगा तो बेलून कहाँ जाएगा ऊपर को ये समझ आ गया आपको ये आपको प्रोसेस लिखना है कि कैसे ऊपर जाता है ये असेंडिंग से पता चल रहा है ये असेंडिंग असेंडिंग से ऊपर जा रहा है ना ये देखो ये जो कॉर्ड है ये बंदा कॉर्ड को खींचेगा

कौन से वाले बैलून हॉट एयर बेलून्स है, है जिनमें लोग बैठ के ऊपर ऊपर हवा में, आ, हाँगी। 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 में करते से बड़े बड़े बेलून्स होते हैं आप देखना करके। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ, हाँ। ठीक है Manisha ने लिया होगा ना वहाँ न्यूजीलैंड में मैंने अभी अगस्त में मैम हमने ट्रिप प्लान किया था डेज के लिए जैसे अभी मैं नॉर्थ ऑकलैंड में रहती हूँ तो साउथ ऑकलैंड साउथ आईलैंड गए थे हम वहाँ पे सारे एडवेंचर करके आए अभी ऑलमोस्ट साउथ आइलैंड में एक साउथ uh, क्राइस्ट करके जगह है क्राइस्ट का क्या नाम है उसका क्राइस्ट चर्च में क्राइस्ट चर्च क्राइस्टर्च मेरे स्टूडेंट्स वहां गए हुए हैं स्टडी के लिए और एक कौन नीचे भी जगह है क्राइस्टर्च नीचे टिप पे कौन सी जगह है वहाँ पे भी पड़े हुए हैं में नहीं मैं, मैं, मैं अभी मैं ना Queen's तो मेरे कजन रहते हैं इसलिए थोड़ा मेरे को उसका पता है 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 पर अभी मैं मतलब कि का वो दुनिया की चलो नेक्स्ट ये वाला देखो ग्राफ ये है मेथड्स ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज तीन मेथड है पहला मेथड तो दुण है एडवर्टाइजिंग विद इन द कंपनी एडवर्टाइजिंग विद इन द प्रेस और तीसरा मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एजेंसी ठीक है तो कंपनी क्या कर सकती है उसको हायर करना है तो आप अपनी कंपनी के अंदर ही एक एडवर्टाइजमेंट डालेगी फिर एम्प्लॉयज को शॉर्टलिस्ट करेगी फिर इंटरव्यू करेगी फिर जॉब ऑफर दे देगी ठीक है विद इन द कंपनी मीन किसी हायर पोस्ट के लिए ले जाना है तो उनके लोग सारे अप्लाई करेंगे और उनकी इंटरव्यू करके जॉब ऑफर दे देंगे सेकेंड है प्रेस एडवर्टाइजमेंट जो है अखबार में जो कंपनी है खुद एडवर्टाइजमेंट देगी अखबार में फिर शॉर्टलिस्ट करेगी फिर इंटरव्यू करेगी या रिटर्न टेस्ट लेगी और फिर जॉब ऑफर देगी

ऑलिव ऑयल बनाने का तरीका है ठीक है ये ऑलिव ट्री है ये पिकिंग हो रही है ऑलिव ट्री से पिकिंग की जाती है फिर ऑलिव को रिंस किया जाता है ठंडे पानी में फिर उनको एक बेल्ट पे फेंक दिया जाता है और बेल्ट जो है फिर एक स्मैशिंग डिवाइस में डाला जाता है वहां पे ऑलिव को स्मैश किया जाता है जब स्मैश करते हैं तो स्टोन इधर निकल जाते हैं और पेस्ट इधर निकल जाती है ठीक है पेस्ट जो है फिर एक होल में डाली जाती है जिसमें बैग में डाली जाती है जिसमें होल्स हैं ठीक है उसमें से पेस्ट जब निकलती है फिर उसको प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है प्रेसिंग प्रेस करके उसको फिर जो प्रेसिंग मशीन है उसके बाद वो सेपरेट हो जाती है इनटू ऑयल एंड वाटर ठीक है जो ऑयल है बॉटल्स में डाल देते हैं और फिर उसको बेच देते हैं ऐसे ऑलिव ऑयल मिलता है आपको ठीक है okay. पढ़ोगे आपको बाकी समझ आ जाएगा दिस इज होम स्मोकरी होम स्मोकरी ये ये ग्राफ कम से कम दस बार आ चुका है जब से मैं पढ़ा रही हूँ और इसमें ना डेढ़ सौ वर्ड पुचाने मतलब बहुत ही मुश्किल है क्योंकि है ही कुछ नहीं लिखने वाला बच्चे आके मुझे बोलते थे मैम क्या लिखते क्या लिखते समझ ही नहीं आ रहा था इसको पढ़ाते कैसे तीन तीन डब्बे हैं दो डब्बे अंडरग्राउंड है एक डब्बा ऊपर है ग्राउंड लेवल पे जो अंडरग्राउंड पहला डब्बा है उसमें फ्रेश एयर अंदर जाती है लिड हटाने पर फ्रेश एयर अंदर जाती है और फिर यहाँ पे दूसरे वाले में लॉग्स रख के बर्न किए जाते हैं और यहाँ पे जब बर्न होता है तो ये ये जो जो ये जो ये जो जो गैस बनती है हॉट स्मोक है ये इधर से निकलता है और ये खाने की चीजें फिश वगैरह जो भी है ये स्मोक हो जाती है स्मोक्ड फिश खाने का तरीका है स्मोक्ड सैमन का आपने कमर्शियल तरीका एक और ग्राफ अभी देखा था ना कमर्शियल yes. ये ये एक तरह से स्मोक करने का ये डोमेस्टिक तरीका है घर में होम स्मोकरी कैसे वर्क करती है घर में कैसे yes, करते है yes, हाँ अगर हम जैसे फिश नहीं खाते हम, हमारे पास होम स्मोकरी है तो मैं यहाँ आलू टांग दूंगी बट मैम हाँ स्मोक से तो चीजें अच्छी नहीं लगती स्मोक की वजह से नहीं स्मोकी टेस्ट अच्छा लगता है स्मोकी टेस्ट आप ना स्मोकी टेस्ट आपको पता है मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरा एक स्पेशल फ्लेवर है जो मेरे हर, हर मतलब तो तो मेरी ग्रैंड मैम को मैंने देखा था वो हुँ. क्या करती थी कि ना तड़का लगा के जैसे वो वो वाले ब, बर्तन मिट्टी के बर्तन में हाँ. फिर उसको बंद कर देती थोड़ी देर के लिए गैस स्टोर कर लेती थी उसके अंदर तो वो वो तो उनका मेथड है ना आपने वो देखा लव शव एंड चिकन पुराना मूवी <laughs> देखी है यस मैंने देखी है मैम उसमें 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 उस क्या डालता है हफीम <laughs> जो यस हफीम डालता है वो एंड में, में पता लगता है उसे अब मेरा जो फेवरेट जो मेरा मेरा जो ट्रेडमार्क है ना मेरी सब्जी के उसका नाम है बर्नट वेजिटेबल फ्लेवर वो वो जल्दी आती <laughs> वो जो नहीं आए ना तो फिर सबको पता चल जाता है मम्मा ने नहीं बनाया और मेरे मेरे फैमिली इतनी सपोर्टिव है ना वो कहते हैं मम्मा प्लीज ऐसे मत कहा करो कि जल गई ऐसे कहा करो कि मैंने आज सब्जी कैरामलाइज करी है <laughs> वो जो, वो जो, <laughs> जो, जो <laughs> कैरामलाइज <नहीं। laughs> हमें अच्छा लगता है सो so, देखो कैरामलाइज सच ए गुड वर्ड देव गिवन मी सो मुझे लगा स्पेशल कह रहे हो तो शायद आप भी वो कोल डालते हो और उसको कवर कर देते जैसे बिरयानी को करते हैं <laughs> <laughs> नहीं मेर, मेर, मेरा तो ये <laughs> special, हमेशा ही मेरे से कुछ होता है हमेशा यू नो बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम तो वेन एवर आई डू द कुकिंग सो दैट कैराम सब्जी बनती है एंड यू नो समाइम्स कैरामलाइज अच्छी लगती है और नहीं होती कैरामलाइज तो वो टेस्टी नहीं लगती <laughs> yes, uh, सूखी सब्जियाँ uh, थोड़ी थोड़ी कैरामलाइज हो ना, उनका टेस्ट अच्छा आ जाता है yes, अब ये है हमारा होम स्मोकरी का पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा दिस इज अनदर फिल्टर फिल्टर से आपको कौन सा पानी मिलेगा एंड में पीने वाला portable. Portable. Portable water. देखो portable. आपको पोर्टेबल वाटर पोर्टेबल वर्ड सीखने का बहुत फायदा है आपको कई ग्राफ्स में उसको डालने का मौका मिल सकता है है। yes. तो ये क्या क्रॉस सेक्शन फिल्टर है एक तरह का और ये दूसरी तरह का फिल्टर है ये भी क्रॉस सेक्शन ही दिखाया हुआ है उसका ये है कि ये फिल्टर बंद डब्बा है उसके अंदर ऊपर सैंड है फिर टाइनी टाइनी स्टोन है बजरी और नीचे पाइप पाइप है जिनमें ब्रिक ब्रिक होल्स है तो पानी जो है इन सारी चीजों के थ्रू फिल्टर होता है यहाँ से पानी अंदर आता है और यहाँ से बाहर पानी मिलता है जो पीने वाला है पोर्टेबल वाटर और दूसरा जो है सिंपल आउटडोर फिलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम है अनट्रीटेड वाटर एक डब्बे में स्टोर किया जाता है उस पर टैप लगा होता है टैप खोलते हैं तो सैंड वाले डब्बे में आ जाता है सैंड से फिर वो एक डब्बे में स्टोर हो जाता है और फिर वहां से हाउस होल्ड यूज के लिए पानी टैप खोल के यूज किया जाता है बस सिंपल है दोनों को एक्सप्लेन uh, कर देना है दोनों का कंपैरिजन कर देना है टू फिल्टर सिस्टम्स है जो घरों में लगते हैं दोनों ही सिंपल है ये उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल ही सिंपल है उसके अंदर तीन लेयर्स है ठीक है वेरी सिंपल इन एक्सपेंसिव मेथड है बेसिक प्रिंसिपल दोनों में फिल्ट्रेशन है इसमें भी फिल्ट्रेशन है इसमें भी फिल्ट्रेशन है ये समझ आ गया आपको यस yes, मैम अब आप लिख लोगे ना अगर ये वाला ग्राफ ग्रह हा, हाँ, हाँ जी मैम हाँ ओके अब नेक्स्ट जो है दिस इज प्रोसेस ऑफ स्मोक्ड फिश ये तो हम हमने अभी ये मैंने आज होमवर्क के लिए दिया है ये आप कर लेना यही वाला दिया ना होमवर्क के लिए यस मैम ये ये वाला है टी का, टी का प्रॉपरली तो मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है ये दो तीन बार आ चुका है ये आ सकता है आपको तो उसको ग्राफ वीडियो को अच्छे से देख लेना उसमें पूरा समझाया हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक है अब देखो प्लास्टिक है जो शॉप से लोग लेके यूज करते हैं प्लास्टिक अब प्लास्टिक की बॉटल्स की रिसाइकलिंग है जो प्लास्टिक के अलावा जो यूज करते हैं बाकी रबिश और जो बैग्स है थैले हैं उनको लैंडफिल साइट में भेज दिया जाता है ये खत्म हो गया काम प्लास्टिक की रिसाइकलिंग यहाँ पे है ये वाला ठीक है प्लास्टिक बॉटल्स हैं कलेक्ट की जाती हैं सॉर्टिंग हाउस में सॉर्ट की जाती हैं ट्रांसपोर्ट की जाती है फिर प्रोसेस की जाती है फाइनल प्रोडक्ट बनता है वापस शॉप्स पे आ जाता है ये समझ आ गया यस मैम नॉट डिफिकल्ट

इनमें से कितना कितनी एनर्जी जो जनरेट होती है कंज्यूमर तक पहुंचती है दोनों तरह के कोल्स में पावर स्टेशन में सेवेंटी थ्री परसेंट एनर्जी लूज होती है मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ब्लैक कोल से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पावर स्टेशन में सेवेंटी थ्री परसेंट एनर्जी लूज हो जाती है खत्म हो जाती है फिर थ्री परसेंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में खत्म हो जाती है अल्टीमेटली कंज्यूमर तक कितनी पहुंचती है चौबीस परसेंटी और इसमें अल्टीमेटली कंज्यूमर तक कितनी पहुंचती है 34%. 34%. दोनों का थोड़ा सा कंपेयर करके लिख देना कि अल्टीमेटली इतनी पहुंचती है इतनी रास्ते में ही खत्म हो जाती है ठीक है ये वाला ग्राफ देखो ये वाला ग्राफ है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर ठीक है ये भी इसका भी मेरा वीडियो बना हुआ है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे ना ये जो वीडियोस लेटेस्ट आए हैं इन सबके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ये आप वहां से समझ लेना ठीक है तो yes, yes, आ, वहां से समझ लेना ग्राफ आपको यूट्यूब चैनल अगर मिल गया तो फिर वहां पे मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिस के ग्रीडियोज बने हुए हैं ये वूल है फॉर इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल यूज ये रिसेंट है कि ग्राफ जो भी रिसेंटली आया है तो इसको इसमें ना ये शीप की डायग्राम बनी हुई थी शेयरिंग की शेयरिंग होता है कटिंग उसके बाल तो वो बंदा दिखाया था वो काट रहा है शेयरिंग कर रहा है फिर क्लीनिंग है ड्राइंग है तो आप ये सारा मैंने सिर्फ स्टेप्स लिखे है आपको अगर एग्जाम में आएगा ना तो वहाँ पिक्चर्स है इनकी जगह पे ठीक है पर है बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि तो मेरी स्टूडेंट जिसने जिसने पेपर दिया था ना शी कुड नेम ऑल द स्टेप्स बट शी कुड एंड डू ड्रॉ द डायग्राम्स और वो मुश्किल भी है ड्रॉ करना आई कैन अंडरस्टैंड ठीक है बट शी गेव मी ऑल द स्टेप्स तो आप में से किसी को रिपीट हुआ तो आप अच्छे से मुझे डायग्राम बना के दे देना फिर बाहर आके विल यू डू दैट यस चलो ये yes. अब ये भी आप पढ़ोगे आपको इसका वो भी है uh, इसका वीडियो भी बना हुआ है ठीक है ये अभी रिसेंटली आया है ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। ये अभी मेरी एक स्टूडेंट धाबी में उसको ये आया है और ये इंडिया में अब रिपीट हो सकता है ठीक है ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे आ, रिसाइकल करते हैं टू तो प्रोड्यूस गार्डन फर्टिलाइजर ओके और ये उसको ऐसे आया था ये ये नहीं ये और ग्राफ है ये सोशल मीडिया कैसे यूज़ करा है ये वाला मेरे को डायग्राम मिला नहीं है अच्छा ये है ओके 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 यहाँ पे मैं करती हूँ ओके सो दीज आर द रीसेंट ग्राफ्स मैंने इसमें ये डाल दिया है ये रीसेंट ग्राफ है ये अभी मैंने लिखे नहीं है ये अभी अभी आया इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस बीन येट पर आपके पास है अब आप देख लेना आपको रिपीट हो सकता है जिनका कल परसों पेपर है जस्ट गो थ्रू इट अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे से कल समझ सकते हो ठीक है uh, ये चारो पाई चार्ट एक में ओके दीज आर फोर पाई चार्ट्स इन वन ये एक पेज में आ नहीं रहे हैं ये चार पाई चार्स आया है अभी अच्छा ये लिखा भी हुआ है सैंपल आंसर ये इंद्रुप ने लिख दिया है ओके ओके सो यू हैव द दैंपल आंसर ऑल्सो यू कैन गो थ्रू इट ओके ये भी अभी रिसेंटली ग्राफ आया है तो रिसेंट वाले मैंने इस फाइल में और डाल दिए हैं सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द एग्जाम नाउ ठीक है uh, ये भी लिखा हुआ है चलो उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है ये भी अभी रिसेंटली आया है दिस इज ऑल्सो बीन रिटर्न ये वाला ग्राफ भी रिसेंटली आया पा, पा ये बच्चों ने मेरे को बोला था एक्चुअली कि अभी अभी जो आए हैं वो शेयर कर दो तो मैंने ये शेयर करे हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू देम ओके पर मैं आपको सैटरडे के मॉक टेस्ट में प्रोसेस देने वाली हूँ जो नए बच्चे हैं अभी प्रोसेस कर लो मोर देन इनफ ये सारे रिसेंट ग्राफ्स हैं ये बीच में आप पीडीएफ सेंड करेंगे ये वाली फाइल आपसे शेयर कर रही हूँ ठीक है आ, ये सारे रिसेंट ग्राफ्स हैं ये वाला ये वाला मैप ओ माई गॉड तीसरी बार आ गया लॉकडाउन के बाद इंडिया में ओके okay? इंडिया में थर्ड टाइम अभी आया है ये तो भी ट्वेल्थ को आया है ना ये ये ट्वेल्थ को अभी आया है उससे पहले अगस्त में आया है। दूसरी बार सितंबर में आया है और अभी मैं मैं है। दो। ये ये कॉमन रूम का प्लान है पांच साल पहले और आज कैसा है नाउ? तो ये पांच साल पहले कबर्ड थी कबर्ड ऐसे की ऐसे है सिंक ऐसे कैसे है बेंच ऐसे का ऐसे है इस बेंच की जगह माइक्रोवेव आ गया माइक्रोवेव ऐसे कैसे ये वाला फ्रिज ऐसे कैसे है ये ड्रिंक मशीन ऐड करी है यहां पे एड पे टीवी रख दिया बुक शेल्फ हटा दिया है ये वाली चेयर है आर्म चेयर है ये चार टेबल्स थे चार की जगह दो रह गए और एक बड़ा टेबल कर दिया एड ये एंट्रेंस है ये वैसे की वैसे आप पढ़ोगे आपका इसको सैंपल आंसर है रीना आ जाएगा ओके मैम ओके आपको ये सब ये सैंपल आंसर लिखा हुआ है ये तीसरी बार आ चुका है इमेजिन एंड यू नो लास्ट टाइम मैंने बोला अब दो बार आ गया अब नहीं आएगा और तीसरी बार आ गया और इसलिए अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि तीन बार आ गया अब नहीं आ सकता चौथी बार भी आ सकता है और और सारे ये जो पास्ट के अभी रिसेंट ग्राफ्स हैं मैंने इस फाइल में डाल दिए हैं दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द एग्जाम दिस मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ ठीक है ये सारे अभी आए हैं अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद ऑल दीज हैव कम नाउ ओके ये सारे मैं भी सारे, सारे ये सारे के सारे एग्जाम्स वाले हैं ये सारे एग्जाम वाले ग्राफ हैं जो अभी आए हैं ओके okay? ये सारे रिपीट हो सकते हैं ये सारे रिपीट हो सकते हैं ये अभी है ये वाला ये वाला ग्राफ जो है ना ये मेरे स्टूडेंट को अबू धाबी वाले स्टूडेंट को आया था इन आई डोंट नो अगस्त और सितंबर और मेरी स्टूडेंट को पिछले महीने अक्टूबर में आ गया सेम एब्सोल्युटली सेम ओके या या दो बार आ गया ग्राफ ये मैंने पैसे समझाई थी आपको समझा चुकी हूँ so, right? जो मैं शेयर कर रही हूँ yes. आप इनको सबको yes, पढ़ लो और ग्राफ मुझे लिख के भेज देना जो मैंने होमवर्क के पहले डाला हुआ है तो वो मैं आपको चेक करके उसकी गलतियां बता दूंगी ठीक है चलो शुड एंड द क्लास नाउ दिस क्लास बीन यूजफुल Of course, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.